हालेलुया, कंप्लीट आ रहा है? हालेलुया, प्रभु के उपस्थिति में आ जाएंगे, क्रूस का चिन्ह लेते हैं साथ साथ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस सुंदर दिन के लिए, ये बारिश का मौसम के लिए, इस सुंदर मौसम के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस कलीसिया के लिए और यहाँ पर आए हुए सारे बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें यहाँ पर बुलाए, आपने हमें चुना है और आपने यहाँ पर हम सबको बुलाया है ताकि आपका योजना हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर है। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये दो दिन हमें देने के लिए ताकि हम आपके बारे में जाने, आपके प्रेम के बारे में जाने, आपके वचनों के बारे में जाने, आपके राज्य के बारे में जाने। और प्रभु जैसे जैसे हम आए यहाँ पर सीखने के लिए, पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए हमारे शब्दों पर, हमारे मन पर, हमारे सारे शरीर के सारे अंग पर, इस भाई पर, इस बहन पर। प्रभु यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही का महिमा हो, आप बड़े प्रभु और हम घटे। यहाँ पर जो भी वचन यहाँ पे सुन रहे हैं प्रभु, यहाँ पे जो भी हम प्रचार सुनने आए हैं यहाँ पर, सिर्फ आप ही का हुए प्रभु। प्रभु आप हमें सिखाएं अच्छे अच्छे दृष्टांतों द्वारा, गवाहों द्वारा, अच्छे अच्छे शब्दों द्वारा, ताकि जब हम ये सुनते हैं प्रभु हमारा जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चुनने के लिए और यहाँ पर बुलाने के लिए और हमें सिखाने के लिए। हम भूखे हैं प्रभु ताकि आपके बारे में अधिक से अधिक जाने। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, 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 आमेन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत से मैं अपनी गवाहियां से शुरू करता हूँ, चलेगा ना? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, अगर 24 साल पहले आप मुझे देख लेते थे तो अलग ही व्यक्ति दिखता था। आपने कोई निराश व्यक्ति को देखें, निराश इंसान को देखें? सही, डिप्रेशन जो है, जो डिप्रेस केस होता है, वो कैसे दिखते हैं? आपने कभी देख लिया उनको गौर से, कैसे दिखते हैं? हंसमुख रहते हैं, हंसते रहते हैं, हाँ, कैसे रहते हैं? उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। उनके चेहरे पे कोई खुशी नज़र नहीं आती, वो हर पल नकारात्मक सोचते रहते हैं, नकारात्मक सोचते रहते हैं और हर पल उन्हें एक ही चीज़ का ध्यान रहता है, क्या मैं कुछ काम का नहीं हूँ, ये संसार में मेरा कोई काम नहीं है और कब मैं अपने आप का नाश करूँ स्वर, हाँ सही बात है क्या नहीं? ये मुझे ख्याल आता था 24 साल पहले और एक ही चीज़ मन में खाया जाता था, वो शब्द, तू कुछ काम का नहीं है, तू तो निकम्मा है, तू तो इस धरती का बोझ है और तुझे खुदकुशी करना चाहिए। हालेलुया, ये सोचते 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 डिप्रेशन में गया, डिप्रेशन का टैबलेट्स लिया और खुदकुशी करने की कोशिश भी की पर सफल नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, आपको पता है उसका इलाज नहीं होता, डिप्रेशन का इलाज नहीं है। अगर आप दवा लेते हैं
तो क्या करते हैं, वो सिर्फ डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, काबू में लाता है या कंट्रोल करता है, बराबर है ना? Yes. सही बात है क्या? नहीं, पर उसका इलाज नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है आज, कोई कहां से भी आपको दिखता है ये डिप्रेस है, डिप्रेशन लगता है? हालेलुया, हालेलुया। और ये बदल आया है मेरे जीवन में कैसे? मैं जन्म से क्रिस्ती हूं। बाबा यू अंडरस्टैंड क्लियरली, अंडरस्टैंड माई हिंदी, बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई, सो इफ इट्स नॉट यू लेट मी नो। ओके, अगेन आई आस्क यू, आई विल कीप ऑन आस्किंग, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू। यस, इंग्लिश ऑल्सो एंड हिंदी ऑल्सो। यस, गुड यू आस्क मी दैट। ओके, माई नेम इज लिंटन। ओके, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। ओके, द पर्सन यू आर लुकिंग एट टूडे, इफ यू वुड हैव सीन मी 24 ईयर्स बैक, वॉज अ डिफरेंट पर्सन। हैव यू सीन अ डिप्रेस पर्सन? हाउ डज ही लुक? सैड, वेरी मच सैड। अ डिप्रेस पर्सन इज अ पर्सन हु विल नेवर स्माइल। ओके, सॉरी, इज हाँ, इज ऑल, ही थिंक्स ही इज होपलेस, देर इज नो फ्यूचर इन हिज लाइफ। द ओनली थिंग दैट कम्स इन हिज माइंड इज आई एम अ यूजलेस पर्सन, आई एम अ गुड फॉर नथिंग, आई एम अ ट्रबल फॉर द फैमिली, आई एम अ ट्रबल फॉर दिस नेशन, आई एम ट्रबल फॉर एवरी वन। द ओनली थिंग दैट कम्स इन हिज माइंड इज टू जस्ट, वेन शुड आई डाई, वेन शुड आई गो एंड गिव माई लाइफ। Depression is a case where you cannot take care of. There is no cure for it, right? There is no cure. It's only controllable. It's only controllable. Hallelujah, hallelujah. But you see a person who's standing today. Is he looking depressed? Not at all. Yes or no? How has that person changed? How am I changed? What is the changes that has taken in my life? It is not me, I would say. Today in India, there are maximum people today, they are getting depressed. Maximum cases today, I think so, very high the number of people today, there is depression that is attacking them. Hallelujah. The one reason of depression is self-centeredness, selfishness. Hallelujah. आज हमारे भारत देश में मैक्सिमम लोग जो है डिप्रेशन के शिकार है, निराश जो व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। इनका कोई इलाज नहीं है, इनका कोई भी इलाज नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट द पर्सन हुम यू आर सीइंग टुडे, हैज ही, डज ही लुक लाइक अ डिप्रेस्ड पर्सन? नहीं। क्या जो व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, क्या वो निराश दिख रहा है, डिप्रेस दिख रहा है? नहीं। तो ये परिवर्तन आया कैसा है? आई एम अ बॉर्न कैथलिक, आई एम अ रोमन कैथलिक बाय बर्थ। मैं पैदाइशी क्रिस्ती हूँ, पर मैं 28 से 30 साल तक प्रभु के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। हम चर्च को जाते थे, फिर से चर्च नाम के लिए जाते हैं। इंग्लिश में बोलता है आउटस्टैंडिंग कैथलिक, इसका मतलब क्या हुआ पता है? जो चर्च के बाहर ही रहते थे। समझ आया क्या? नहीं। हालेलुया। आप लोग है क्या वैसे मेरे जैसे? नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। अरे खुद हंसो तो यार, मैं इतना आपका तारीफ कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग कैथलिक, ओनली स्टैंडिंग आउट ऑफ द चर्च। तो संडे मासेस आई वॉज देयर आउटसाइड द गेट, okay, the entrance, and earlier days there was holy water, there was there, so I used to only take the sign of the cross, okay, bless myself, and I used to go from there. Mommy used to ask, daddy used to ask, did you go to church? I said yes. So who was the priest? I know the priest because he was my principal or the parish priest. I knew everyone. Sahi ka nahi? To main church ke bahar rehta tha. चर्च के बाहर हम, आप देखोगे वहाँ पे एक छोटा सा बोल होता है या दीवार पे ऐसा छोटा सा छेद होता है, वहाँ पे
पवित्र पानी होता है। तो हम जो क्रिस्ती है, हम जाते हैं मीसा को आने से पहले हम अपने आप को आशीर्वादित करते हैं। आपने कभी भी गौर किया है, और यहाँ पर भी आपने देखा होगा, अभी हमने साइन ऑफ द क्रॉस किया, ओके सही है क्या नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइन ऑफ द क्रॉस? इसका क्या मतलब है? हम अपने आप को ब्लेस करते हैं। कभी आपने कल्पना किया, व्हाई डू आई टेक द साइन ऑफ द क्रॉस? मैं क्यों अपने ये क्रूस का चिन्ह लेता हूं? कभी आपने कल्पना किया है क्या? कभी आपने सोचा है? गलत सही कोई बात नहीं, हा, टू सेंटिफाई आर सेल्फ, टू ब्लेस आर सेल्फ। आई ब्लेस माई सेल्फ वेन आई टेक द साइन ऑफ द क्रॉस। हम आपको भी सिखा रहे ताकि आपको भी पता चले। बहुत सारे क्रिस्ती भाई बहनों को पता नहीं है, इनफैक्ट पता है, मुझे भी पता नहीं था इतने साल तक। हालेलुया, हालेलुया। सो व्हेन यू ब्लेस योरसेल्फ, जब आप क्रूस का चिन्ह लेते हैं, आई ब्लेस माईसेल्फ, व्हाट डू आई डू? आई टेक माई हैंड एंड आई टेक द साइन ऑफ द क्राइस्ट। आई ब्लेस माईसेल्फ इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इस शरीर को क्या करता हूं? मैं पवित्र करता हूं इस शरीर को, मैं आशीष देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तब मैं जब मैं सिर्फ वही करता था और वहां से उड़न छू हो जाता था। 9:2:11, तो बंबई की भाषा अच्छा है ना, 9:2:11 मीन्स यू जस्ट सी द प्रीस्ट, ही इज देयर सेलिब्रेटिंग द यूक्रिस्ट। हाँ, I know the priest. Mummy will say, what was the sermon? Now, there was lot of crowd. Sermon kya tha wahan par? Bahut crowd tha, humko pata. Ha, reading kya tha? Humko pata nahi. Hum to father ko bola, father aisa fast 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 bol de, ho gaya. Misa so, father tha na, humne bataya na aapko. Bheed bahut thi, humko andar aane nahi mila, hum church ke bahar the. There was a lot of crowd, so we couldn't enter the church. We were outside the church. Now, outside the church, the good news is, you cannot hear much. तो अभी मम्मी भी एक्सक्यूज करेगा, ये हर संडे का होता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरे मम्मी डैडी को बहुत टोपी पहनाता था, टोपी बाज था। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं अपने प्रभु को टोपी नहीं पहना सकता, सही है क्या नहीं? सही बात है। हालेलुया, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ। व्हेन आई टेक द साइन ऑफ द क्रॉस, एम आई नॉट ब्लेसिंग माई सेल्फ? जब मैं अपने हाथ को लेता हूँ और मैं अपना शरीर को आशीर्वादित करता हूँ, क्या मैं अपने आप को आशीर्वादित करता हूँ क्या नहीं? करते हो क्या? नहीं। पर क्या आप ध्यान से करते हो और आप कल्पना करते हो, मैं ये साइन ऑफ द क्रॉस करता हूँ, क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को आशीर्वाद कर रहा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर आशीर्वादित शरीर है। This is a blessed body. It is not my body. It belongs to Christ. It belongs to the Holy Spirit. But am I blessing the body? Hallelujah. Hallelujah. Okay. We are children of God. Yes or no? Yes. All of them believe? Yes. Everyone? Yes. Okay. If you say you are the children of God, do you have any proof? From the Bible, any verse? सबूत है आपके पास? आप बोल रहे हैं ना आप ईश्वर के बच्चे हैं? नहीं, वो तो ठीक है, आपने बैप्टिज्म दिया। अगर आप कोर्ट में जाते हो, न्यायाधीश जाते हो, वहां पर अगर आपका कोई केस होता है, तो आपको आपका केस को मजबूत करना होता है, तो आपको दो गवाही लगता है, कुछ प्रूफ लगता है, सही क्या नहीं? सबूत लगता है। तो अगर आपके पास सबूत नहीं है, या लिखी सबूत नहीं होता है, लिखी स्टेटमेंट नहीं होता है, क्या वो जो न्यायालय, जो न्यायाधीश है, जो जज है वहां पर, वो कुछ काम करेगा क्या? आपके फेवर में देगा? हालेलुया। नाउ इफ आई हैव अ केस इन द कोर्ट, ओके, इफ आई गो टू द कोर्ट, इफ आई डोंट हैव एनी विटनेसेस अलॉन्ग विथ मी, आई डोंट हैव एनी प्रूफ, तो कैन द जज बी in my favor, the order of the judge will be in my favor? No. Why? Because I do not have any proof. Mere paas koi bhi saboot nahi hai. Aap to bolte hai, aap Ishwar ke
बच्चे हैं। क्या आप ईश्वर के बच्चे हैं? क्या आप ईश्वर के बच्चे हैं? क्या आप ईश्वर के बच्चे हैं? सबूत बताओ। ही क्रिएटेड मी वेयर होता, यू विल से माय फादर एंड मदर क्रिएटेड मी। प्रूफ तो है, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट बोलेंगे, बराबर है ना? पर आप ईश्वर के बच्चे हैं उसका सबूत बताओ। वो बाइबल में है। हाँ बताओ तो, हमको क्या मालूम, हम तो आपको पूछ रहे, मुझे पता है। अच्छा है बोला, सेंट पॉल का लेटर है, पर लेटर संत पॉल का लेटर काफी है। रोमियो का पुस्तक है, कोरिंथियो का लेटर है, गलेतिया का लेटर है, एफिशियो का है, फिलिपियो का है, तिमोथी का लेटर है, तेसलोनिका का लेटर है। अरे यार, जज के पास सामने जाएगा, मेरे पास तो प्रूफ है, सबूत तो है, पर धारा याद नहीं है, बराबर है क्या? नहीं, आई हैव द प्रूफ विथ मी बट आई डोंट नो द धारा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्ट, एक्ट, आई डोंट नो एक्ट, द एक्ट ऑफ इट, द एक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इट, ओके, विदाउट एक्ट आई कैन नॉट नो, यस ऑर नो? हालेलुया, जय यीशु। अब बाइबल देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी ढूंढने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो रोना, जोर से तो हम बोल दिए, हम ईश्वर के यस यस और जोर से, और जोर से गला बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया, सबूत बताओ तो मान जाऊं। यू टेल मी, यू नो इट सिस्टर, से गिव मी द बाइबल प्लीज फास्ट, आई विल चेक इट, इज इट राइट? इट इज देयर इन द बाइबल। और जो लॉ का बुक होता है ना, कानून का बुक, उसमें रहते है धारा सब लिखा। यस, देयर इज एक्ट रिटन इन दैट लॉ, बुक ऑफ लॉ, बट डू वी हैव विच लॉ इज देयर, कौन सी धारा लगी है? ये रहना चाहिए ना, मेरा केस लड़ना है तो ये धारा लगा है, वो धारा लगा है, सही है क्या? नहीं तो मेरे पास भी सबूत रहना चाहिए। यहाँ पर लिखा है ब्रदर, इस बाइबल में ये वर्स है, यहाँ पर लिखा है कि मैं ईश्वर का संतान हूँ, दे दूँ? लिखना है अभी तो लिख लो। विल गो टू द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 12। हम जाएंगे संत योहाना का सुसमाचार पर। आई एम वेरी हैप्पी that each and every one of you all have bought a notebook and a pen, and I can see many of them having their own Bibles. That is very good. Clap for yourself first. I'm so blessed. I'm so happy. There are Bibles. See, I have a Bible over here in my mobile. So I don't carry it much because I have to travel here, and I have different versions of Bible. If you upload this Bible, there are different versions and all different languages you have. So you can take it from your, download it from your mobile. You should have your own personal Bible. You should have your own Bible. Hallelujah. We'll go to the Gospel of St. John, chapter number 1, verse number 12. Koi pad sakta hai kya? Hindi mein padega chalega, English mein padega chalega. Koi ek padna hai, sab nahi. अगर आप लोगों के पास बाइबल है बंद करके रख दो, एक ही कोई है लीजिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको एक माइक दे देता हूँ, कोई तो लेगा माइक से, माइक से बोल देंगे। हाँ बिटिया बोल दे। चला वो माइक दे देना, थोड़ा पानी भर देना। सिस्टर द वाटर इज वेरी नाइस ओवर हियर, हाँ इट इज ब्लेस्ड, हाँ आई एम रियली एंजॉइंग द वाटर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस उतना ही आएगा, थोड़ा सा आगे आना होगा आपको, आपका कुर्सी भी आगे लीजिए तो फिर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। संत योहाना का सुसमाचार, आराम से कोई बात नहीं, अध्याय 1 वाक्य 12। हालेलुया, देखो हमारे पास 2 दिन है, जितना हम सिखा सकते हैं हम सिखाएंगे, पर हम धीरे धीरे सिखाएंगे। पर जो आप सीखेंगे ना और ये आपके हृदय में रखेंगे ना,
गारंटी बोलते हैं आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जो यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है, अगर ये 24 साल में यहाँ पर आज आपको दिख रहा है यहाँ पे परिवर्तन आया है, हालेलुया। और मैं तकरीबन 16-18 साल हुआ है शायद मुझे, मैंने अभी तक कोई एक टैबलेट लिया नहीं, हालेलुया। वचनों के द्वारा मैंने चंगाई देखी मेरे जीवन में, वचनों के द्वारा मैंने बड़े बड़े युद्ध जीते हुए देखा। इसलिए हम वचन को ज़्यादा मायने रखते हैं और वचन ही हमें जीवन देता है। पढ़िए प्लीज। अरे रेलगाड़ी है ये तो, बम्बई जाने वाली है, थोड़ा धीरे पड़ेगी। जितनों ने, यहाँ पे लिखा है जितनों ने या सब ने, जितनों ने उन्हें अपनाया, तो उसका मतलब क्या है? जो भी प्रभु यीशु को अपना लेता है, क्या प्रभु यीशु आप ही मेरे जीवन के खुदा है, जीवन के मसीहा है, और हृदय से मानते हैं क्या प्रभु आप ही मेरे लिए उद्धार करता है, वो है विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे ब्रदर आप तो बोलते हैं विश्वासी, तो हम तो रोमन कैथलिक हैं, ऐसा भी होता है ना, सही है क्या? नहीं आपको पता है क्या सबसे बड़ी, सबसे पहली विश्वासी कौन थी? माता मरियम। क्योंकि जो पंतकोस का दिन था, जो 120 लोग थे वहां पे कौन थी? माता मरियम। तो वहां पर आत्मिक जो आया पवित्र आत्मा उनके ऊपर, जो जबान, जो अग्नि का जबान जो आया उनके ऊपर, और अन्य भाषा में बोलने लगी, कहां पर? पेंटिकॉस्ट के दिन ना। तो वहां पर बैप्टिज्म उसका किसका हुआ? अग्नि का बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म किससे हुआ? माता मरियम। तो सबसे पहला बिलीवर कौन है? अगर कोई बिलीवर या प्रोटेस्टेंट आपको यह सवाल पूछेगा ना, तो उनको बोलने का ऐसे बोलते पूछते क्या नहीं, उनका निंदा नहीं करूं, क्योंकि वे हमारे शरीर के अंग है, प्रभु हमारे शरीर के सर है, तो हम उसके अंग हैं, तो हमें उनका निंदा नहीं करना है। पर उनको जवाब देने के लिए आपको ये वचन मिल जाता है, सही है कि नहीं? हालेलुया, हाँ। आगे पढ़िए प्लीज। और जो प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको, यहां पे सबको बोला है कि जो विश्वास करते हैं उनको, तो प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के मसीहा है, आप मेरे जीवन के खुदा है। बिटिया आप यहां पे चेयर लेके बैठ जाइए, ताकि आप यहां पे मुझसे वचन दे सकते हैं। बाबू ये उनको दे देना, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, हालेलुया। चलेगा ना? नोटबुक भी दे देना, पेन भी देना, बैग भी देना, मोबाइल भी देना, क्या भी है सब कुछ दे देना, नहीं तो जाएगा तो रोएगी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। फिर से पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। We'll also read it in English. Anyone has the verse in English? Abba, you have in English? अभी आप लोग सोचते रहोगे, बांटते रहोगे, तो समय जाएगा। Someone can read? And then again, sister has to go and sit down there. This is the idea, no? We'll keep all of them this side. This will be a bigger team there, no? This one sister is here, so we'll have another one over here. The bigger team. Yeah. We can sit in the, this. Okay, Ma. You can give that chair to her. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Yes, yeah. To all those who received him, only those who have received him. Hallelujah. Or believed in his name. He gave them power. Samartha diya hai. He gave them the power to become children of God. To become the children of God. Has God given me the power and the authority? Of course. He's given them the power. That's what it's saying. God's anointing is there in us. I have the power and the authority. Hallelujah. 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 So, are we not the child of God? Kya hum Ishwar? Sit down, sister. Sit down. So, are we not the child of God? सब सिस्टर को देख रहे, देखे नहीं क्या?
इधर बंबई का हीरो आया है उसको देखने के बदले उधर देख रही। मैं मेकअप नहीं डाला था, अच्छा नहीं चिकना नहीं दिखता हूँ मैं, अभी जाके थोड़ा पेंट वेंट लगा के आ जाऊंगा फिर देखो तो है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। हालेलुया। अभी यहां पे एक प्रूफ मिला, मिला क्या नहीं yeah. काफी है yeah. आज के लिए काफी है yes. तो आप कभी न्यायालय जाएंगे तो एक सबूत रहेगा तो काफी होता है yeah. तो फिर मैंने पूछा काफी है तो पहले बोला यस यस, क्यों यस बोले ब्रदर, और चाहिए बोलना है, चाहिए क्या नहीं चाहिए yeah. नहीं चाहिए तो जाने दो यार मैं जाता हूं yeah. चाहिए क्या नहीं चाहिए yeah. तो जोर से बोलो ना, यहां से आवाज दे, चाहिए कि नहीं चाहिए ओके okay. क्या आप ईश्वर के संतान है? आर यू द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड? यस। सो यू हैव द प्रूफ। व्हाट इज द प्रूफ? कम ऑन टेल मी। द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12 क्लियरली सेज दैट आई एम द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। यस और नो? यू वांट अनदर प्रूफ? प्रूफ चाहिए, प्रूफ सबूत। ओके लेट्स गो टू गैलेशियंस। शी सेड पॉल का पुस्तक है वहां पर है, तो हमने बोला कहां पे, वो तो बताओ। बुक में लिखा है, बाइबल में है ब्रदर। आई नो इट बट आई डोंट नो वेयर। विल गो टू द बुक ऑफ गैलेशियंस वेयर सेंट पॉल हैज रिटन दिस बुक, दिस लेटर, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 7 और वर्स नंबर 6 ऑल्सो इज देयर। गलतिया का पुस्तक अध्याय 6:4 वाक्य 6 और 7 है। हालेलुया जय यीशु जय यीशु। तो मैं दो सबूत आज दे देता हूँ, कल थोड़ा दो और दूंगा, फिर परसों दूंगा, परसों मैं नहीं हूँ, चलेगा ना? पर दो दो चार मिल जाएगा तो काफ़ी रहेगा क्या? नहीं क्या काफ़ी है? दो ही सबूत और चाहिए? ओके ठीक है, पर अभी तो दो काफ़ी हुआ क्या? नहीं ओके सिस्टर जस्ट से दैट, हिंदी में बोलिए और सब साथ में दोहराइए जो बोल रही है। आप लोग पुत्र ही है। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने तो प्रभु यीशु का आत्मा हमारे अंदर है क्या? नहीं है। प्रभु यीशु का आत्मा हमारे पास है क्या? नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है क्या? नहीं है। डू वी हैव द होली स्पिरिट इनसाइड ऑफ अस? जीसस स्पिरिट इज देयर इन अस? ऑफ कोर्स। ओके हाँ, देन जो यह पुकार कर कहता है आबा फादर, आबा फादर और अबा पिता, ये हमें प्रभु ने अधिकार दिया है, सम्मति दिया है कि हम प्रभु को, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम प्रभु को आबा पिता कह सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हमें अधिकार दिया है प्रभु ने स्वयं कि हम उनके बच्चे हैं और उसके द्वारा हम प्रभु को आबा पिता करके पुकार सकते हैं। हालेलुया। दो प्रूफ हो गया, अभी सातवां वचन भी तीसरा प्रूफ है। अब इसलिए अब आप उदास नहीं है। मैं सोचा आप पंकज उदास हो गए। आप दास नहीं, दास का मतलब दास। ओके दास इज सर्वेंट। ओके पर यहां पे क्या दिया है? आप दास नहीं पर आप पुत्र, आप कौन है? पुत्र है। आगे और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर के कृपा से विरासत के, क्या बात बोल रहा है यार ये ब्रदर, ये इतना अच्छा बात मुझे पता नहीं। मैं ईश्वर का पुत्र हूं और मैं जो ईश्वर का है उसका मैं उत्तराधिकार हूं, हकदार हूं। ये पता था क्या? सबसे पहला हमें पता नहीं था हम किसके बच्चे हैं, सही है क्या? नहीं
सही है कि नहीं? पर यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें नियुक्त किया, और प्रभु कहता है क्या तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, हालेलुया, तू मेरा संतान है, हालेलुया, और मैं उससे अधिकार से या गर्व से कह सकता हूँ आबा पिता। और उसके द्वारा क्या है यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं अभी नौकर नहीं हूँ, सर्वेंट दिया है, कहाँ पे लिखा है, यू आर नॉट अ स्लेव, स्लेव दिया है क्या इंग्लिश में, क्या सर्वेंट दिया है, क्योंकि ना कहा ये जो वाक्य है ना, जो शब्द है ना, वो पूरा वाक्य को बदल देता है। अभी स्लेव बोला तो क्या हुआ, गुलाम, पर वहां पे हिंदी में क्या लिखा, दास, दास बोला नौकर हो गया। देयर इज अ डिफरेंस इन द वर्ड, नौकर में और गुलाम में जमीन आसमान है, आपको पता है, सही है क्या नहीं? एक बार कोई आदमी गुलाम है ना, अभी तो जो पहले के जमाने में थे, एक बार जो गुलाम हो गया वो सदा के लिए गुलाम होता था, ना केवल वो, उसका पूरा वंश गुलामी में रहता था। पर प्रभु ने हमें गुलाम नहीं कहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रभु, क्या बोल रहा है, तू मेरा पुत्र है और तू मेरे जो रियासत का उत्तराधिकारी है, आई एम एन एयर ऑफ गॉड्स किंगडम। समझा क्या नहीं समझा, हम वारिसदार है, हम हकदार है, डिड यू अंडरस्टैंड? नो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट टेल मी, आई विल टेक इट इन इंग्लिश, यू वांट मी टू टेक इट इन इंग्लिश अगेन? यस। व्हाई आर यू फीलिंग शाय फॉर, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, जो खजाना मुझे मिला है, द वेल्थ व्हाट आई हैव गॉट, द सीक्रेट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड व्हाट वी हैव गॉट, इट हैज टेकन मेनी इयर्स, हमें काफ़ी साल लगा है ये चीज़ के लिए, और ये आपको आसानी से मिल रहा है। आप लोग सब बाइबल पढ़ते होगे, सब तकरीबन सब लोग बाइबल आपके पास है, आप लोग बाइबल पढ़ रहे, पर ये क्या आपको पता था, पढ़े तो है, ये पढ़ के हो गए रहेंगे, पर इसकी गहराई पता थी क्या, हाँ पता था क्या आपको, नहीं था। पर यहां पे प्रभु क्या बोल रहा है, आप मेरे बच्चे हैं, और बच्चे क्या है, प्रभु क्या बोल रहा है, अब तू गुलाम नहीं है, हिंदी में तो दिया है नौकर, और इंग्लिश में दिया है यू आर नॉट अ स्लेव बट यू आर एन एयर ऑफ गॉड्स किंगडम। कल्पना करो आप कौन है, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मानते हैं हम मामूली व्यक्ति है, मामूली इंसान है, हम बोलते हैं ना हम तो गरीब है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हम गरीब है, हम तुच्छ है, हम कमजोर है, मेरा कोई नहीं है ब्रदर, मेरे परिवार में कोई नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं क्या नहीं, हालेलुया, बोलते हैं क्या नहीं, एकदम सीरियस हो गए, सोच रहे थे क्या, हालेलुया। क्या अगर मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा कोई नहीं है, तो मैं गलत बोल रहा हूँ ना, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं श्रापित हूँ, मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, मेरा कोई नौकरी नहीं है, ये क्या मैं शब्द बोल रहा हूँ, सही है क्या नहीं, ये हम बोल रहे थे क्या नहीं? पर ये जो शब्द आप बोल रहे थे जाने अनजाने, ये क्या आप सही शब्द बोल रहे थे क्या गलत शब्द बोल रहे थे, सही है क्या नहीं, हालेलुया। तो ये जो शब्द आप बोल रहे हैं, ये जो शब्द नकारात्मक शब्द या ये जो गलत शब्द है, आपके जीवन का भविष्य बदल देता है। आज जो आप ये तकलीफ में है, जो समस्या में है, बंधनों में है, इसका मुख्य कारण क्या है, आपके पास परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन का समझ नहीं है, इसलिए ये समस्या है। पर यहाँ पर प्रभु हमें क्या बोल रहा है, कि आप मेरे बच्चे हैं, और क्या बोल रहा है, प्रभु ने हमें ये वी आर प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज को क्या बोल सकते हैं, प्रिविलेज को हम सब सौभाग्य है, क्या हमारा सौभाग्य है क्या प्रभु के द्वारा
हम परमेश्वर को आबा पिता कह सकते हैं। और क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम नहीं है, बल्कि हम उत्तराधिकारी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय जय यीशु। बोले मेरे साथ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और प्रभु ने मुझे चुना है, और उसने मुझे अधिकार दिया है कि मैं उनको आबा पिता कह सके, और मैं उनका राज्य का जो भी उनका है उनका मैं उत्तराधिकारी हूँ। हालेलुया, समझ आया क्या नहीं? खुश है क्या नहीं? अरे खुश रहे तो ताली बजा देते यार। इतना अच्छा मैंने आपको दे दिया खजाना, अभी भी खुश नहीं? हमारी जो सिस्टर है ना, एकदम खुश हो गई, क्योंकि ये हमको पता नहीं था। हम अपने आप को बोलते हैं ना, आई एम अ सिनर, आई एम अ सिनर, आई एम अ सिनर, हम पापी है, हम पापी है, हम पापी है, यही बोल रहे थे क्या नहीं? हाँ, हालेलुया। कोई आया क्या वहाँ पर? सब वहाँ पे देखने लगे, कोई आ गया, आया गया, सबको देखा, सबका अपना वीडियो चालू हो जाता है। हालेलुया, जय यीशु। जो प्रभु हमारे हैं वो राजाओं के राजा है। कौन है? फिर से बोलो, जो प्रभु हमारे हैं और राजाओं के राजा है, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, और भजन संहिता या स्तोत्र ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता बोलते हैं ना, दो भू पुस्तक है, उसमें अलग अलग शब्द है, इसलिए बोलते स्तोत्र ग्रंथ। ये कहता स्तोत्र ग्रंथ अध्याय, अध्याय 115 में, वाक्य 16 में दिया गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी किसका है? ईश्वर का है। पर उन्होंने क्या किया? स्वर्ग उन्होंने अपने लिए रखा और पृथ्वी उसने किसके किसे दिया है? सही में थोड़े लोगों का आवाज आया, बाद में आवाज ही नहीं आ रहा, क्या हुआ? किसके लिए दिया है? हम सबों के लिए, मेरे लिए। ये जो बाइबल आप लिए हैं ना, आप लोग बाइबल लिख के लेके जाते हैं, इसे क्या बोलता है मालूम है? परमेश्वर का प्रेम पत्र हमारे लिए। इट्स अ लव लेटर ऑफ गॉड टू मी। हालेलुया, हालेलुया। इट इज द विल ऑफ गॉड टू मी, परमेश्वर का करार मेरे लिए। हालेलुया, मेरे जीवन के लिए। ये बाइबल मेरे लिए बना है, हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए। और ये प्रेम पत्र है, इसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन का राह दिखाता है, जीवन का प्रकाशन देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो जीवन मैं अभी तक जी रहा हूँ, जी रहा था, मरे मरे, बीमार हुए, चिंतित, ये कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, मुझे समझ नहीं था। बाइबल तो मैं पढ़ रहा था। परमेश्वर के बच्चों का नाश क्यों हो रहा है पता है क्या आपको? किसके द्वारा होता है? कितने लोग मानते हैं परमेश्वर का नाश शैतान के द्वारा होता है? हाथ ऊपर करो, चलेगा। सोच सोच के ना, हाँ या ना? परमेश्वर के बच्चों का नाश किसके द्वारा होता है? तो हाथ ऊपर करना बिटिया। सो डरती है, थोड़ा प्रेशर डालता हूँ। ओ बिटिया, बच्चों को नहीं इतना ध्यान है, तुम लोग क्रिश्चियन है ना, उनको हाथ ऊपर किया, अभी देख मजा आ जाएगी। कितने लोग मानते हैं कि हमारा नाश ईश्वर के द्वारा होता है?
ईश्वर के द्वारा नहीं होता है? सच में नहीं? सच में नहीं? फादर जी को बुलाऊंगा और कन्फेशन में लगा दूंगा सबको यहां पर, ये बीमारी प्रभु की इच्छा होगी, हरि की इच्छा होगी, क्या है प्रभु ये बीमार मैं हूं, नहीं क्या आप बोलते हो? बोलते हो क्या? नहीं सिस्टर, यू हैव टू टेक एवरीवन फॉर कन्फेशन राइट नाउ। थोड़ा प्रेशर डाल देने का तो सब हिल जाते हैं, नहीं क्या? हालेलुया। हम प्रभु को कंप्लेन नहीं करते क्या, ये क्यों हुआ मेरे जीवन में, ऐसा क्यों है, मैं यहाँ पे इस झोपड़ी में क्यों पैदा हुआ, ये गांव में क्यों, मुझे क्यों नहीं बाहर गांव बाहर देश में पैदा कर दिया, है क्या? नहीं मुझे पता नहीं आप लोगों का कंप्लेन था क्या, नहीं मेरा तो था। मेरा नाम लिंटन है, बराबर है? अब ये इंग्लिश नाम है क्या? नहीं। फॉरेन नेम है क्या? नहीं। मैं बोलता था प्रभु मुझे आपने पैदा कर दिया, मेरा नाम इतना बढ़िया दिया और मुझे रख दिया वहाँ पर झोपड़पट्टी में, छोटे से गांव में, मुंबई तभी तो गांव बस्ती थी के नहीं, छोटी बस्ती थी या गरीब थी के नहीं, अब मैं तो 50 साल की बात बता रहा हूँ, सही बात है कि नहीं? तो ये मेरा प्रश्न था प्रभु से, मुझे यहाँ पे क्यों रखा, मुझे क्यों नहीं वहाँ पर, मेरा नाम लिंटन है और उस समय में बिल क्लिंटन भी US का प्रेसिडेंट था, उसको वहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया और मुझे यहाँ पर रख दिया गरीब बनाकर। मेरा ये प्रश्न था प्रभु से, क्यों ऐसा भेदभाव होता है क्या? नहीं आप लोग नहीं बोलते हैं, भाई बहनों से भेदभाव होता है क्या? नहीं। तो ये प्रश्न था नहीं क्या आप लोगों का? मेरा था, पर मुझे तभी पता नहीं प्रभु का योजना मेरे जीवन में क्या था, क्योंकि मैं सांसारिक जीवन जी रहा था। पर जब मैं बाइबल पढ़ने लगा और मैं जानने लगा प्रभु का योजना मेरे जीवन में, तब मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे यहाँ पर इस देश में रखा है ताकि जो आपकी योजना है उसके लिए मैं उपयुक्त हो जाऊँ, इस्तेमाल हो जाऊँ। हालेलुया। शुड आई से इन इंग्लिश ऑल्सो? यस, वेरी गुड। माई नेम इज लिंटन, ओके। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, एंड मुंबई दोज डेज वर वेरी, देयर वॉज पॉवर्टी 40-50 ईयर्स बैक, ओके राइट। सो आई हैड अ कंप्लेन विद द हेवनली फादर दैट यू गेव मी सच अ नाइस नेम, इट इज नॉट माई फादर एंड माई मदर हु हैज गिवन मी द नेम। ये जो नाम हमें दिया गया है ना, ये हमारे माता पिता ने नाम नहीं दिया है, प्रभु ने नाम दिया है। बताता क्या आपको? नहीं बताता? वचन दू? प्रूफ दू? प्रूफ? प्रूफ? अरे प्रूफ रे दे दू? चलो जाएंगे ईसाया का पुस्तक 49 वर्स नंबर आइजाया। आई विल ऑल्सो टेक इन इंग्लिश, डोंट वरी, आई नो वेरी गुड इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश, आई वॉक इन इंग्लिश, आई स्पीक इन इंग्लिश एंड आई डांस ऑल्सो इन इंग्लिश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गो टू द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 49 वर्स नंबर 1-3। Isaiah ka pustak, sister, sit down please and you can read it slowly. Don't take the fast train. I know we have got new trains which are very fast, but we will always go slow. Yes or no? Yes. Yes. Okay. Listen to me, O coastlands. Listen to me, O coastlands. Pay attention. You people from far away. Huh. The Lord called me before I was. मैं हिंदी में मिलूंगा ताकि ईजी भी हो जाएगा। द लॉर्ड कॉल मी बिफोर आई वॉज बॉर्न। While I was in my mother's womb. He named my name Linton. I was always thinking my father and my mother. Those days, now also, the name is given by here, the earthly godfather and godparents. Right or no? हमें जो नाम दिया जाता है गॉड पेरेंट्स के द्वारा। तो मेरा हर पल प्रश्न ही रहता था प्रभु के साथ। I had lot of questions to ask the Lord.
दिस गॉड पेरेंट्स ऑफ माइन दे गेव मी द नेम लिटन, इतना बड़ा नाम दिया पर वो कभी मुझे देखने के लिए नहीं आया, सही है कि नहीं, होता है क्या नहीं? सो आई हैड अ कंप्लेंट दैट दिस पीपल देश टू कम, वो मेरे गॉड पेरेंट्स है, बाहर देश में रहते, बाहर गांव में, गल्फ कंट्री में रहते थे, और वो आते थे 2 साल 4 साल 5 साल में, वो मुझे देखने के लिए तकरीब मुझे लगता है इतने सालों में 20-25 साल जब थे वो, फिर वो एक्सपायर हो गए, 20-25 साल में सिर्फ 2 या 3 बार आए, और वो भी आते थे वो हमारे पास नहीं आते थे, उनके जो बहन है हमारे चौल में जो उसके वहाँ पे उसकी बहन रहती थी उनको मिलने आते थे, वहाँ से वो जाते थे, तो समझ गए क्या नहीं? कैसे हो आप लोग, बोलते हैं ना जो मेहमान जो आते हैं, अभी वो ऐसा हुआ तो कैसा होना चाहिए हमें, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा? ये जो आदमी है, इंसान है, इसने मेरा नाम लिंटन लिखा है, पर ये कभी देखने भी नहीं आया, कभी अपने बारे में पूछने नहीं आया, था क्या नहीं समस्या, ये सवाल होता है क्या नहीं? तो मुझे बहुत बड़ा प्रश्न था मेरा प्रभु का, यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर आई वॉज इन द मदर्स वूम्ब ही नेम्ड माई नेम, इसका मतलब यहाँ पे जो भी नाम आपका दिया है वो किसने दिया है? तो अगर ये प्रभु ने नाम दिया है, ये प्रभु ने नाम दिया वो सुंदर ही होगा ना, बहुत लोगों को नाम से बोलते हैं ना ईर्ष्या है या नफरत है क्या नहीं बेटिया? यस ऑर नो? यस ऑर नो? आई हैड अ कंप्लेन, आई वॉज हैविंग अ कंप्लेन, मैं ऑफ लेट तक बोले तो कम से कम तकरीबन 6-7 साल तक तो मुझे बहुत बड़ा कंप्लेन था, और मुझे पता नहीं था, देखो नाम में भी मतलब होता है, आपको पता है हर एक नाम में कोई मतलब होता है, तो मैंने मेरा नाम का गूगल सर्च कर लिया, और उसके बाद मैंने देखा वहाँ पर मेरा नाम का नाम है अ बिग सिटी, और सिटी का शहर का नाम है, तो मैं छोटा हुआ क्या विशाल हुआ? मैं अपने आप को क्या समझता था? आई वॉज थिंकिंग स्मॉल, आई वॉज, मैं तुच्छ समझता था अपने आप को, पर जब मुझे पता चला प्रभु ने मुझे यह नाम दिया, और मैंने गूगल सर्च कर लिया और वहाँ पर लिखा है ए लिंटन जो बोला है इसका नाम है सिटी का नाम है, तो मेरी छाती 2 इंच आगे आ गई। अब बोले अभी कोई माइकालाल बोले कुछ भी बोले, और मुझे ना जब मेरा नाम है, अभी ये नाम मेरा लिंटन है, गांव के लोग जो है उनको प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता, उनको नाम सही तरीके से बोलना नहीं आता, तो इन लोग नाम के बथंगड़ बना देते हैं, बराबर है क्या नहीं? मेरे कई सारे नाम थे, मेरे बोले तो मेरे बहुत सारे गॉडफादर थे, समझ गए क्या नहीं? क्योंकि हर लोग आके अलग अलग नाम बोलते थे, और कभी बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता, नाम का तो सत्यानाश कर देते थे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पे प्रभु क्या कहता है, जब तू अपने माँ के कोक में था, अरे वाह आ जाइए, बहुत अच्छा, मैं बोला कुर्सी लेके जा रही है क्या? मैं बैठाने वाला था, मैं बोला अरे बैठ रही है, अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, जब मैं अपने माँ के कोक में था परमेश्वर ने मेरा नाम लिखा है, चुना है, और उसने कहा तेरा नाम लिंटन है। तो यहाँ पर आपका नाम जो दिया गया है वो किसने दिया है? अपने सांसारिक माता पिता ने या स्वर्गीय माता पिता जो हमारे प्रिय परमेश्वर है, वो कौन है? आबा फादर है, पिता परमेश्वर है, उन्होंने हम सबका नाम दिया है। तो अगर प्रभु ने नाम दिया रहेगा तो नाम अच्छा ही होगा ना। कुछ प्रभु कुछ कार्य करता है, कुछ करता है ना, वो हर पल बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप अपने आप को निंदा करता था, निंदा करते हो गए या निंदा करते थे, तो निंदा करना बंद कर दो। मेरे जैसे जो गलतियाँ आपने किया है वो करना बंद कर दो, सही बात है क्या नहीं? आज से अपने आप की बड़ाई करो, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ नाम है, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो अभी बोलोगे क्या ना मेरा नाम, अभी जो शर्मिली है तो बोले मेरे बीवी का नाम है शाइला, पटने में तो शर्मिली ही थी, पर अभी जब वचन आया तो अभी वो शर्मिली नहीं, अभी वो प्रचार करती है। हालेलुया, सही में उसकी गवाही सुन लेना, बहुत हंसेंगे हम लोग। हालेलुया, अभी शाइला बोले तो शाय ना, शाइला बराबर है, इसका नाम नैथलिन है, पटने में शाइला। तो शुरुआत से वो बचपन से मेरे यहाँ तक आने तक बहुत शर्मिली थी, मेरे साथ रह के अभी वो
अभी बिंदास हो गई, सुनी क्या? नहीं, उसने ईयरफोन डाला है, सुन नहीं रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या दिया है प्रभु ने? क्या प्रभु ने हमें चुना है क्या नहीं चुना है? क्या प्रभु ने हम सबको चुना है क्या नहीं चुना है? प्रभु की योजना हमारे जीवन में बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा है। आप कल्पना नहीं कर सकते उतना अच्छा है। हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं, हम अपने आप को छोटे समझते हैं, इसलिए ये समस्या है। हालेलुया, पढ़ लेना हो फिर हिंदी में भी पढ़ेंगे। उसने क्या किया? ही मेड माई माउथ लाइक अ शार्प स्वॉर्ड। मैं जो यहाँ पर प्रवचन कर रहा हूँ, अगर आप मुझे 24 साल पहले जब मेरी शादी हुई उस दिन अगर आप मुझे देखते थे, उस दिन क्या होता है शादी के समय में जो टोस्ट मास्टर होता है ना, या जो कंपेयर होता है, वो क्या करता है, उस जो जोड़ा शादी का जोड़ा है उसको क्या बोलता है? एक धन्यवाद का शब्द बोलो, सही है क्या? नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, आप लोग गए हैं क्या? नहीं, शादी अटेंड किया है क्या? नहीं, तो जो जो दूल्हा है या दुल्हन है वो कुछ ना कुछ जो गेस्ट आया उसके लिए शुक्रिया करते हैं क्या? नहीं, शुक्रिया अदा करते हैं क्या? नहीं, तो ऐसा हुआ और जो हमारा कंपेयर है उसने कहा कि नाउ द ब्राइड एंड द ग्रूम विल से सम गुड वर्ड्स इन थैंक्स गिविंग टू एवरी वन। अभी जब उसने बोला था, हम भी प्रिपेयर करते हैं ना, शादी से पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, होता है क्या नहीं तैयारी, तो हमने कुछ पर्ची वर्ची लिख के रखा था, बोले ये सब बोलना है, टी 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 टी, होता है क्या नहीं, रट्टा मारना होता है क्या नहीं, तो ये सब लिखा था और मैंने सूट में डाला था। हालेलुया, और शायद वो रुमाल के साथ था, जब वो पसीना आते समय रुमाल निकालते समय वो कहाँ गिर गया, होता है क्या नहीं कभी कभी। अभी मुझे बोलना है, अभी क्या बोलूँ क्या बोलूँ, तो मैंने क्या किया, माइक उठाया, मैंने मेरी बीबी को दे दिया, सुन रही है, हालेलुया, उसने उठाया मुझे दे दिया। तो यहाँ पर ऐसा टग और वॉर चल रहा था क्योंकि हमने कभी माइक पे बात ही नहीं किया था। हालेलुया, और शुरुआत में जब हम माइक पकड़ते थे तो हाथ में पूरा पसीना आ जाता था, होता है क्या? आप लोग ने कभी देखी कहा? आज के जो युवा पीढ़ी है बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वे बहुत बोल्ड है। हमारे ज़माने में इतना हमको ओपनिंग नहीं था, हालेलुया, इतना एक्सपोजर्स नहीं था, तो हमें जब वो स्टेज पे बुलाया जाता थे वहाँ पे थर थर कांपते थे। हालेलुया, माइक दिए तो पूरा पसीना हो जाता, माइक तो पकड़ लिया पैर हिल रहा है यहाँ पर। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। ऐसी हालत हमारी थी और मैं कभी माइक पे ज़्यादा नहीं बोला, ऐसे कैसे करके सबको धन्यवाद बोल दिया, पता नहीं आवाज़ गया क्या नहीं, सुने क्या नहीं लोग, और जल्दी से तुरंत उठे के कंपेयर को दे दिया, इसने तो बात ही नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज प्रभु ने ये जो मुंह दिया है, ये मुख दिया है, आज मैं प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रभु के लिए दिन रात बात करता रहा हूँ। हालेलुया, ये जो यहाँ पे व्यक्ति है, अगर आप मुझसे बात करोगे, आप देखोगे मैं बीच बीच में रुकता हूँ, थोड़ा हकलाऊँ, सही है, मेरे जो वाक्य है डगमगाते हैं, मीन्स मेरे शब्द स्वच्छ नहीं है या साफ नहीं है, माई वर्ड्स आर नॉट क्लियर, राइट ये, बट क्या है यहाँ पर, जब मैंने ये वचन लिया क्या हुआ, ये कॉन्फिडेंस मुझे मिला है कि ये प्रभु ने ये शब्द जो है परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वाणी मेरे मुंह के अंदर डाला है, और यहाँ से जो भी मैं बात करता हूँ मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर की वाणी बोल रही है, परमेश्वर का शब्द निकल रहा है क्या नहीं। अगर मैं खुद से यहाँ पे खड़ा हूँ ना 10 मिनट तक बात नहीं कर सकता हूँ, पर प्रभु का अनुग्रह है कि मैं यहाँ पर जब प्रभु का प्रवचन करता हूँ तो घंटों घंटों बात कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है और प्रभु ने हमें चुना है। अभी मैं ये क्यों बोलता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, खुद का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आप लोग अभी टीचर का कुछ ये कर रहे हैं ना, कोर्स कर रहे हैं या कुछ अलग अलग कोर्सेस रहेंगे आपका, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी कभी हम डरते हैं ना उत्तर देने के लिए। अभी टीचर्स जो है उनको तो बोल्ड बोल्ड होना है क्योंकि आपका ट्रेनिंग होता है। हालेलुया,
तो ये वचन बहुत अच्छा है आपके लिए, ये वचन आपको विश्वास दिलाएगा, ये आपको कॉन्फिडेंस लाएगा, और इसके द्वारा आप देखोगे आप बोल्डली आप टीच कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपके यहाँ पर कोई हकला है या स्टूडेंट कोई हकला है जो कमज़ोर है, जो साफ शब्द नहीं बोलते हैं, या आपके परिवार में कोई साफ शब्द नहीं बोल सकते हैं, उनको ये वचन दे दो, उनको बोलने लगाओ, थोड़े दिन में देखोगे आप वो बहुत साफ बात करता है, स्वच्छ बात करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, और बोल्डली वो बात करता है, कॉन्फिडेंस से बात करता है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हाँ आगे पढ़ना। ओ माय गॉड, ये समझ गया क्या है लिखा है? प्रभु कहता है तू मेरा बच्चा है और तू मेरे हाथ के छाव में या मेरे हाथ के नीचे, अगर मैं प्रभु के छत्र छाया में हूँ या प्रभु के हाथ के नीचे हूँ, तो क्या मुझे कोई संकट या कोई परेशानी या कोई तकलीफ मुझे छू लेगा? कोई तकलीफ छू लेगा या कोई संकट आएगा तो मुझे छेड़ेगा या कुछ मुझे तकलीफ लाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मुझे याद करना है प्रभु आपके हाथ के नीचे, आपके दाहिने हाथ, दाहिना हाथ मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। आज से मैं कभी भी बीमार नहीं रहूंगी, आज से कभी मैं कमज़ोर नहीं रहूंगी, आज से कभी मैं गरीब नहीं रहूंगा, मैं कभी भी श्रापित नहीं रहूंगी। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको कल्पना करना है प्रभु आपका हाथ स्वयं मेरे ऊपर है। अगर प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है तो काहे का टेंशन, किस बात का टेंशन? हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाथ के बारे में बताऊं, कुछ बताऊं, बताऊं क्या? नहीं, यहाँ पे झारखंड में अभी यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री है क्या? नहीं, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम क्या है? कोई सोरेन है ना, चंपाई सोरेन, कोई लेडी है ना, जेंट्स है? ओके, कोई बात नहीं, क्यों नाम ही ऐसा, कोई चंपाई सोरेन था, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। पर वो जो है चीफ मुख्यमंत्री, ओके, अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर है, ओके, रांची में है। अचानक मुख्यमंत्री आई, आ गए वो, और रातों रात बोली, मिट्टी आपका नाम क्या है? सिका मीन्स, ओके, ये मीन्स आप कहाँ पे रहते हो? झारखंड में रहते? कहाँ पर? झारखंड में? झारखंड बहुत बड़ा है यार, मैं भी बोलूँगा महाराष्ट्र में रहते हैं, क्या महाराष्ट्र में ढूंढूंगा? रांची में ही रहते हैं, ओके, रांची में हमारी जो बहन है हमारे मीन्स शिका मीन्स, ओके, वहाँ पे रह रही है, उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण। अभी कल्पना करो जो अपने चीफ मिनिस्टर है अचानक आपके दरवाज़ा पे आ गए शाम के समय में, तो चीफ मिनिस्टर आएगा तो अकेला आता है क्या? नो no? कौन आता है? उसकी बीबी, उसके बच्चे, फिर कौन आते हैं? बॉडीगार्ड आते हैं, और बाकी उसके पीए वगैरह आते हैं कि नहीं, चेले आते हैं कि नहीं? आते हैं। तो अचानक वो आ गया बॉडीगार्ड के साथ, उसके चेले के साथ आए, तो इसके दरवाजे के सामने आके उसकी गाड़ी करके ब्रेक लगा दिए। उसके साथ कितनी गाड़ी है? 10-15 गाड़ी लग गई, ओके, 10-15 गाड़ी लगे, बॉडीगार्ड है, पीए वगैरह आए, और अचानक चीफ मिनिस्टर आ गया और आके बोला, ये शिका मिंज है मेरा खास, मेरे पार्टी के एक खास है व्यक्ति, और मेरे हाथ उसके ऊपर है। कल्पना करा भाई, नहीं तो मिनिस्टर को आके बोलेगी वो। हालेलुया, हालेलुया। अभी इसके वो वहाँ पर जोर से अनाउंस करता है गांव में, अभी चीफ मिनिस्टर आएगा तो भीड़ होगी क्या? नहीं, लोग इकट्ठा हो गए क्या? नहीं, गांव के लोग इकट्ठा हो गए क्या? नहीं, तो वहाँ पर शिका के पास आया, शिका घर से बाहर आई और उसके खंधे पे हाथ रखे या सर पे हाथ रखे, और चीफ मिनिस्टर ने बोला, ये मेरा खास आदमी है या ये खास व्यक्ति है, है ये मेरा खास व्यक्ति है। तो अभी इसका क्या होगा? रातों रात ऊपर, ये तो ऊपर देख रही है। अरे ऊपर नहीं यार, रातों रात क्या होगा? समन, बस क्या यार, सोचते भी नहीं है वो आप लोग। चीफ मिनिस्टर
अगर सिका के बदले आपके घर के आए, दरवाजे के सामने आए और उसके ऊपर सामने आके बोल दिए ये मेरा खास व्यक्ति है, फिर क्या होगा? बस खुश हो गए, अभी तक दुखी थे। हाँ, बस पार्टी हो गई यार। आगे सोचते नहीं, बड़े नहीं, बड़ा नहीं सोचते। हालेलुया। सिस्टर ने जो पानी दिया है ना, आशीर्वादित है। जब मैं पी रहा मुझे और ऊर्जा मिल रही है। फेमस हो जाएगी कि नहीं? रातों रात उसका नाम फैलेगा क्या? नहीं। अरे इतना तक नहीं, वहां के जब जिस दिन उसके घर पर आ जाएगा, उसका हाथ उसके ऊपर रह जाएगा ना, उसको गाड़ी बंगला सब आ जाएगा। आएगा क्या नहीं? आएगा क्या नहीं? अरे मुख्यमंत्री का हाथ है भाई, ऐसा कोई मामूली नहीं है। रातों रात ये करोड़पति हो जाएगी। अभी वो देख रहे, अरे वाह, गाड़ी भी आ गई, बंगला भी आया, अभी तो नया बिजनेस भी खोल देगा। अच्छा है क्या नहीं? कुछ तो सोची, अब तक सोच नहीं रही थी। आगे सोच लेना, बड़ा स्कूल बनाना, फ्री में पर सबको पढ़ाना प्रभु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जब पढ़ाते हो वचन जरूर पढ़ाना, ये जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी कल्पना करो सिस्टर, द वाटर इज रियली गुड, इज ब्लेस्ड। ओके, अभी कल्पना करो इस बिटिया के सर पर चीफ मिनिस्टर का हाथ है। अभी चीफ मिनिस्टर बड़ा है क्या राजाओं का राजा बड़ा है? जो सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है वो बड़ा है क्या? ये चीफ मिनिस्टर बड़ा है? जो हमारे पिता परमेश्वर है वो कौन है? वो राजाओं का राजा है, सही है क्या नहीं? सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। अगर चीफ मिनिस्टर का हाथ इसके सर पे रखते हैं, रातों रात करोड़पति हो गई, तो प्रभु का हाथ, वो भी दाहिना हाथ आपके ऊपर है, क्या हुआ फिर आपका हाल? कभी कल्पना किया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से? डिड यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली? अगर चीफ मिनिस्टर, इमेजिन द चीफ मिनिस्टर हैंड इज ऑन हर, ओवरनाइट शी इज बिकम पॉपुलर, शी इज बिकम करोड़पति फ्रॉम रोडपति। डिड यू अंडरस्टैंड? मीन्स शी इज बिकम ए मिलियनेयर विद इन मोमेंट्स। Yes, but now imagine who are we? We are the children of the Most High God. Who's our father? Abba Father. He's the King of Kings. He's the Lord of God, Lord of Lord. He's the creator of this entire universe. He's the creator of this entire universe. And he is my father. This verse clearly says that God's hand, Abba Father's hand is on me. Now imagine if God's hand is on you, am I poor? No. Do I have to be poor? No. Do I have to be sick? No. Kangal? No. Bimar? No. Shrapit? No. Garib? No. Extremely garib? No. Bikari? पर हम यही बोल रहे थे ना, सच्ची बोलो, यस और नो? आर वी सेइंग दैट? वर वी सेइंग दीज थिंग्स? जाने अनजाने बोल रहे थे ना, मेरा कोई नहीं है, मैं गरीब हूँ, ये हूँ। पर क्या हमने कभी कल्पना किया, हम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, जो सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है वो मेरा पिता है। क्या मैं अपने आप को कंगाल बोल सकता हूँ, कमज़ोर बोल सकता हूँ? तो आपके जो पिता है वो राजाओं का राजा है। कौन है? थोड़ा जोर से पड़ोसी को जोर से कान में बोल देना, बोलना बोलना एक दूसरे को बोलना, जो मेरे पिता है। अच्छा, ऐसा कान पे नहीं बोलता, जो मेरे पिता है, थोड़ा अधिकार लेके बोलो, जो मेरे पिता है वो राजाओं का राजा है। अब तक मुझे पता नहीं था, पर आज मुझे मालूम पड़ा। और पता है क्या? बोलो बोलो ना, मैं कौन हूं? मैं तो यूरानी हूं। हालेलुया, सही है क्या नहीं? आर यू अ प्रिंसेस ऑर नो? ऑफकोर्स, ऑफकोर्स। पर हमने अपने आप को क्या समझे? तुच्छ।
बीमार गरीब मेरा कोई नहीं है। नहीं ऐसा करते भी है ना आशीष। हालेलुया हालेलुया। हमारे जो परमेश्वर है ना, जो पिता परमेश्वर है, बहुत ही मजाकिया है, बहुत ही प्रेमल है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या आपको, कभी नाराज होता ही नहीं, कभी भी नाराज नहीं होता है। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम डरते हैं क्योंकि हमारा संबंध उनके साथ अच्छा नहीं है, हमारा रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा नहीं है, हमें पता नहीं है वो कौन है। हम डर डर के जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो मेरा परमेश्वर जो है, जो मेरा पिता है, वो राजाओं का राजा है। तो मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आना है क्या नहीं? थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए। बहुत बड़ा परिवर्तन आना है क्या नहीं? तो क्या आप कोई साधारण व्यक्ति हो जो पड़ोसी को पूछ तो ले, बेटिया पूछ तो पूछ, क्या तू साधारण है? थोड़ा राइट में भी पूछ ले, लेफ्ट में भी पूछ ले, तू वहां पे पूछ सकता है, नहीं तो मुझे पूछ, मैं तो अद्भुत हूं। हालेलुया। पर क्या आपको जवाब मिला, वो क्या बोली, क्या बोली? नहीं बोली। उसका मतलब सिस्टर मुझे पता है ना, मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, टंटन गोपाल नहीं क्या? हालेलुया हालेलुया। जय यीशु। हम ईश्वर के बच्चे हैं और हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं, हम अपने आप को साधारण समझते हैं, हम अपने आप को कंगाल समझते हैं, गरीब समझते हैं, श्रापित समझते हैं। यही है जो शैतान देखता है, यही आपका शब्द है, इसके द्वारा शैतान हमारा नाश करता है। तो जो ईश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, उनका नाश का कारण क्या है? क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनका नाश होता है। होशिए का पुस्तक 4:6 में लिखा है, कोई तो पढ़ो, ये हिंदी में भी पढ़ना है ना हमको, हाँ ये पहले पढ़ेंगे फिर होशिए आ जाएंगे। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड बाबा? इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड ब्रदर प्लीज यू कैन स्टैंड, और ब्रदर प्लीज स्पीक टू मी इन इंग्लिश। हालेलुया हालेलुया। बेटे आप लोगों को समझ आ रहा है क्या नहीं? हिंदी मेरी अच्छी है क्या नहीं? मुंबई की है क्या नहीं? मजा आ रहा है क्या नहीं? हिंदी में, हिंदी में ईसाया का पुस्तक 49:1-3 हमने इंग्लिश में पढ़ा था, ये हिंदी में पढ़ रहे हैं ताकि बहुत सारे सब तो हिंदी में है, एक दो बहन है हमारे इंग्लिश में, इसलिए हम ये भी ले रहे हैं। बोल दीजिए, हाँ दीजिए, बोलिए बोलिए। जब मैं माता के गर्भ में ही था, परमेश्वर ने स्वयं हमें पुकारा है। हालेलुया। हम सब विश्वासी हैं, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं और प्रभु ने हमें चुना है। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? हम सब ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमने हमें चुना है क्या नहीं चुना है? क्यों चुना है? काम करने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, उनके साथ संबंध बढ़ाने के लिए, उनका राज्य का कार्य करने के लिए हमें चुना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो हमें जरूरी है, हमारा परिवार है, मेरा भी तो परिवार है, वो मेरा जिम्मेदारी है। पर मेरा कार्य क्या है? प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना, प्रभु का कार्य करना, प्रभु के साथ संबंध बढ़ाना, ये है मेरा कार्य, ये मुझे करना है। इसलिए प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे जन्म दिया है। हालेलुया। स्वयं प्रभु ने मुझे चुना है और क्या लिखा है उसके बाद? उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया। मुझे ब्रेक बता देना कितना बजे का है, ना तो मैं तो बोलता जाऊंगा फिर बोलेगा ब्रदर यार आज भूखा रख दिया। हालेलुया। 12:30 का ब्रेक रहेगा ना, ठीक है क्या? है ठीक है तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम 2 बजे तक प्रचार करेंगे, ठीक है क्या? ब्रेक 12:30 का है तो 12:30 से कितने बजे आएंगे? 10 मिनट में आ जाएगा ना खा खा के? क्या ब्रदर,
पौने एक बजे का लंच ब्रेक है, तो पौने एक बजे जाएंगे, चलेगा? तो पौने एक बजे से कितना बजे का ब्रेक होगा? 1:30 का ब्रेक, तो उसके बाद आ जाएंगे क्या? नहीं, फिर बोलेंगे ब्रा जाने दो यार, थोड़ा सा छोटा सा पावर नैप नहीं चाहिए क्या? ये आया है बम्बे से, इसको क्या काम धंधा है, थोड़ा सा नैप लेते हैं, नहीं ना? है ना? हालेलुया। तो प्रभु ने हम सबको चुना है, हम सब प्रभु के बच्चे हैं, हम सब विश्वासी हैं। यहाँ पे क्या लिखा है आगे पढ़ लेना। नहीं, जब मैं मेरे माता के गर्भ में था, उसने क्या किया है? उसने मेरे गाड़ी को अपनी तलवार बना लिया। वो तो तीसरा है, दूसरा वाक्य है। पहला वाक्य पूरा कंप्लीट नहीं किया तूने। जब मैं माता के गर्भ गर्भ में था तब उसने मेरा नाम दिया। हालेलुया। तो ये जो नाम प्रभु ने दिया है, क्या मेरे माता पिता, सांसारिक माता पिता ने दिया है? राइट? डू यू अंडरस्टैंड? आगे उसके बाद, और उसने मेरी वाणी को, उधर वाणी लिखी है, उसका मतलब नहीं, देखो क्या कहना, तुम्हारा हिंदी जो ट्रांसलेशन है ना, हिंदी दो लेखकों ने लिखा है, ओके? और जो ट्रांसलेशन है ना, वो पूरा उल्टा पुल्टा कर देते हैं, सच बताता हूँ, झूठ नहीं, क्योंकि ना ये जो शब्द है ना, उसको तोड़ मरोड़ देते हैं और उल्टा करते हैं। अभी वो वाणी बोले तो क्या हुआ, भविष्यों को नहीं, पर यहाँ पे बाइबल में लिखा है, ही हैज मेड माई माउथ, उसने मेरे मुख को एक तलवार लिखा है, क्या एक नहीं, एक बो एंड एरो, क्या बोलता है, एरो ना, शार्प एरो, शार्प एरो क्या बोलता है हिंदी में, तीर 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 तीर, हाँ, नोकीला तीर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु ने मुझे बनाया है, क्यों? मेरा मुंह क्या कंची के जैसे चलने के लिए, सांसारिक चीज बोलने के लिए? इसके बारे में ये बहन पता है, ये आई, तेरे को मालूम है, ये वो बहन का होता है क्या? नहीं, प्रभु ने हमें बनाया, ये मुंह दिया है किसके लिए, किसके, बुराई करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रभु के वचन के अनुसार बोलने के लिए, प्रभु का राह चलने के लिए, प्रभु का वचन बोलने के लिए, प्रभु के शब्द बोलने के लिए। हम जाने अनजाने, हमें पता नहीं था या हमें कल्पना नहीं था, हम सीखे नहीं थे कि हम कौन है, हम किसके बच्चे हैं, इसलिए तो शैतान हमारी बैंड बजा रहे थे, शैतान हमें पीटता है, क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमें समझ नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए शैतान हमारे जीवन में हावी हो गया है और हमारे जीवन का नाश कर रहा है, हमारा परिवार का नाश कर रहा है। अगर आप ईश्वर के पुत्र है, पुत्री है, आप ईश्वर के संतान है, क्या आप गरीब है? गरीब रहना चाहिए? आप बीमार रहना चाहिए? आप श्रापित रहना चाहिए? कंगाल रहना चाहिए? ये शैतान ने हमें, हमारे मन में डाला है, और ये सांसारिक शब्दों द्वारा ये हमने सीखा है, सांसारिक ज्ञान सीखने के द्वारा ये हम बोलते हैं। उदाहरण दूँ? उदाहरण, उदाहरण, अभी देखो, अभी बारिश का समय आया, बारिश का समय आया क्या? नहीं, तो बारिश का समय में अक्सर क्या होता है, जब हम भीगेंगे तो सर्दी होता है, सर्दी होता है क्या? नहीं, तो हम अपने बच्चों को क्या बोलेगा, बारिश में भीगना नहीं, नहीं तो, तो बारिश में भीगने से सर्दी होती है क्या? वो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, बारिश से भीगने से सर्दी हो, तो फिर उधर से टॉनिक आता है, टैन टैन आता है क्या? नहीं, वो क्यों, उसको टॉनिक भेजना है। हालेलुया। जो हमारे शब्द है ना, वो जाके कार्य करता है, वो बच्चा बारिश से नहीं भीगता, हमारे शब्दों के द्वारा बीमार हो जाता है। हालेलुया, जय यीशु। हमारा जीवन, हमारा नाश हो रहा है हमारे शब्दों द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। हम सिखाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें उनके जैसा बनाया है, हम ईश्वर के जैसे हैं। तो अगर मैं ईश्वर के जैसा हूँ, ईश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, ईश्वर का श्वास मेरे अंदर बह रहा है, क्या मैं कभी बीमार रहना चाहिए? नहीं।
बीमार रहना चाहिए? तो मेरे सर में दर्द होना चाहिए, शरीर में दर्द होना चाहिए, मुझे कैंसर होना चाहिए, डायबिटीज होना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि ये शरीर के अंदर पवित्र आत्मा है, ईश्वर का आत्मा उसमें निवास करता है। आप जब तक यहाँ पे इस संसार में है, इस शरीर में है, आपको बीमार नहीं होना है। और हम बीमार हो रहे क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है इसलिए, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है इसलिए। पढ़ लेना, वो पढ़ के बाद में होशिया का पुस्तक 4:6 में जाएंगे। और मुझे अपने हाथ के, क्या हम प्रभु के छत्र छाया में है, उसके हाथ के नीचे हैं? हालेलुया। उदाहरण दू, आप कभी मुर्गी को देखा, मुर्गी के बच्चों को देखा है? यहाँ पे गांव में तो बहुत सारे रहेंगे, आपके आंगन में रहेंगे। हालेलुया। गांव में तो दिखता ही है। हालेलुया। जो मुर्गी है और उसके जब बच्चे रहते हैं, वो बच्चे सुरक्षित कभी तक, कब तक है? जब तक वो मुर्गी के पंख के नीचे है, सही है क्या? नहीं। पर अगर वो बच्चा नटखट है, जो चूजा है वो नटखट है, वो क्या करेगा? इधर उधर नटखट है, वो दौड़ता रहेगा, इधर उधर भागेगा, माँ से दूर जाएगा, तो वो क्या होएगा? कौवे का लंच हो जाता है, सही है क्या? नहीं होता है क्या? नहीं। कौवा आएगा या चील आएगा और उसको उठा के तंदूरी बना देता है, सही क्या? नहीं। तंदूरी खाते क्या? नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैं प्रभु के छत्र छाया में हूं, क्या मुझे किस संकट या कोई समस्या से मुझे डरना चाहिए, चिंता करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अगर मैं कल्पना करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपका दाहिना हाथ मेरे ऊपर है, आपके हाथ के नीचे मैं हूं, और आपका हाथ, आपका आशीष, आपका आशीर्वाद हर पल हर समय मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है, तो अगर प्रभु का हाथ है, क्या शैतान आपको छू सकता है? क्या शैतानी शक्ति आपके ऊपर हावी हो सकते है? क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। जब तक आप गलत शब्द नहीं बोले, आप नकारात्मक शब्द नहीं बोलेंगे, तब तक शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। पर अगर आप नकारात्मक शब्द बोलते हो तो शैतान हावी हो जाता है, क्योंकि तब आप क्या करते हैं, जो प्रभु के छत्र छाया से आप बाहर निकल जाते हो, और फिर शैतान नियंत्रण लेता है, और उसके वजह से वो हमारा नाश करता है। डिड यू अंडरस्टैंड बाबा? प्रॉपरली अंडरस्टूड? सो जब प्रभु का यहाँ पे ये वचन है, जो आप ले लो और दिन भर बोलो और उस पर कल्पना करो और हर दिन बोलो, प्रभु आपका हाथ मेरे ऊपर है, मैं जो भी करूँगा उसमें मैं अव्वल आऊँगा। हालेलुया, बोलोगे क्या? नहीं। अव्वल आना है क्या? नहीं। हालेलुया। देखो अब जाओगे नबी दानियल, आपने सुना है उसकी कहानी? नबी दानियल के पास श्रेष्ठता का आत्मा था। आप जाओगे, लिख के ले लो, घर पे जाके पढ़ लो। नबी दानियल के पास श्रेष्ठता का आत्मा था। दानियल का पुस्तक में जाओगे, अध्याय 6:3 में दिया है। दानियल 6:3, द बुक ऑफ दानियल chapter 6:3, ओके? वहाँ पे दिया है, दानियल के पास श्रेष्ठता का आत्मा था। किसके पास? ओके, वो तो पुराने नियम में थे, पुराने नियम में दिया है दानियल के पास श्रेष्ठता का आत्मा है। क्या हम नए नियम में है? हमारा नया जीवन है क्या? नहीं। क्या हमारा नया जीवन है क्या? नहीं। तो क्या हमारे पास पवित्र आत्मा है क्या? नहीं। तो क्या अगर दानियल के पास श्रेष्ठता का आत्मा है, यही पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे श्रेष्ठता का आत्मा मिला है क्या? नहीं। लिख के ले लो, धन्यवाद प्रभु, लिख लो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जैसे आपने दानियल को श्रेष्ठता का आत्मा दिया है, या ऐसा लिखो,
धन्यवाद प्रभु, मुझ में श्रेष्ठता का आत्मा है। ऐसा लिख सकते हैं, मुझ में श्रेष्ठता का आत्मा है। लिख लो बिटिया, आप नहीं लिख रहे हो, बुक नहीं है, हाँ तो ले लो ना, वहाँ पे मैं रुक जाऊँगा ना। वो तो दो बुक में नहीं लिख सकती, तो तेरे बुक में लिख, वो अपने लिए, उसका खजाना उसका है, वो तुझे देगी नहीं। अपना अपना जो महत्वपूर्ण है वचन, ये मैं क्यों दे रहा हूँ, वचन के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि ये वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिख के ले लेना बाद में। वैसे भी ये यूट्यूब में जाएगा। हमारा मिनिस्ट्री है JCILM हिंदी चैनल है, JCILM इन्फो है, JCILM ग्लोबल है। ये यहाँ पर यूट्यूब में वीडियोस है, सब हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, कोंकणी में, अलग अलग साउथ के भाषा में प्रचार होता है। JCILM में हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, वहाँ पे अधिकतर तकरीबन 30,000 टीचिंग्स डाउनलोड किए गए हैं, अपलोड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमारा खुद का भी चैनल है अल्फा मिनिस्ट्री करके, आप लिख के ले लो यूट्यूब में, अल्फा मिनिस्ट्री, ALPHA, अल्फा मिनिस्ट्री। हमारा चैनल है यूट्यूब में अल्फा मिनिस्ट्री, ALPHA अल्फा मिनिस्ट्री, बाय ब्रदर लिंटन और सिस्टर शाइला। अगर आप अल्फा मिनिस्ट्री डालोगे, ब्रदर लिंटन और सिस्टर शाइला डालोगे, तो हमारा टीचिंग्स आ जाएगा। और तकरीबन 300 से भी अधिक टीचिंग्स है, अलग अलग स्टेट में प्रचार किया गया है, हिंदी में है। तकरीबन 95% हिंदी में प्रचार है, थोड़े बहुत हिंदी में है, इंग्लिश में है और मराठी में भी है, पर बहुत सारे टीचिंग्स हिंदी में है। और हम जाते हैं गांव-गांव में जाके प्रचार करते हैं, शहर में जाके, अलग स्टेटों में जाके प्रचार करते हैं, और ये सिंपल हिंदी में है। ये आप लोग समझ आता है, बम्बई का हिंदी है, सबको समझ आता है क्या? नहीं, हमारे बहन जो आसाम के है उसको भी समझ आ रहा है, तो आप लोगों को तो आना ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं हाँ, मुझ में, धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझ में श्रेष्ठता का आत्मा है। आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सलेंसी, थैंक यू जीसस दैट आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सलेंसी, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सलेंसी एंड बिकॉज, मैं पहला इंग्लिश में देता हूं, बिकॉज द होली स्पिरिट इन मी एंड बिकॉज द होली स्पिरिट इन मी, जस्ट राइट इट डाउन प्लीज, इट्स इन इंग्लिश, आई विल गिव, देन आई विल गिव इट यू इन हिंदी। एंड बिकॉज द होली स्पिरिट इन मी, इन वॉट एवर आई डू आई एम एक्सलेंट, राइट? मुझ में श्रेष्ठता का आत्मा है, और क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है। यू आर राइटिंग इन इंग्लिश सिस्टर, डिड यू राइट इट? इफ यू हैव नॉट रिटन यू टेल मी, अगर कंप्लीट नहीं किया इंग्लिश में, डिड यू राइट बाबा इन इंग्लिश, हैव यू कंप्लीटेड? मुझ में श्रेष्ठता का आत्मा है, धन्यवाद यीशु, मुझ में श्रेष्ठता का आत्मा है, और क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है, मैं जो भी करता हूं उसमें मैं अव्वल आता हूं या श्रेष्ठ आता हूं। हालेलुया, 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 जय यीशु। तो ये आपको रोज बोलना है, अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको टॉपर बनना है तो बोलिए हालेलुया। मैं मेरी बिटिया का उदाहरण देता हूं, मेरे 3 बिटिया है, ओके? अभी आप देखोगे बहुत ही साधारण जैसे हैं, आपके, आप लोगों के जैसे। मेरी बड़ी वाली बिटिया है 23 साल की है, दूसरी 18 साल की है, तीसरी 16 साल की है, ओके? बड़ी वाली जो IT इंजीनियर है, जब उसका ग्रेजुएशन था उसने 87% लिया ग्रेजुएशन में, हालेलुया। मेरी जो दूसरी बिटिया है 10th में, उसने जब SSC दिया, एग्ज़ाम दिया, उसको 93% मिला। 12th में उसने 91% लाया, ओके? अभी वो CA का फाउंडेशन एग्ज़ाम दे रही है। मेरी तीसरी बिटिया है 10th का परीक्षा दिया है, उसको 93% आया है। अभी आप बोलोगे ब्रदर आप अपनी बढ़ाई मार रहे हो, मैं मेरी बढ़ाई नहीं मार रहा हूँ, मैं मेरी प्रभु की बढ़ाई मार रहा हूँ, क्योंकि हम ये वचन लेते हैं और हम अपने परिवार में बोलते हैं ये रोज, हालेलुया। मेरे बच्चे ये वचन बोलते हैं, इसलिए वो जो भी करते हैं उसमें श्रेष्ठ है, हालेलुया।
हालेलुया, ये आप टीचर्स हैं तो आपको ये अपने बच्चों को देने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये वचन आप अपने बच्चों को दे दो, स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को दे दो, अपने परिवार के जो सदस्य है उनको दे दो। आप देखोगे ये वचन क्या कार्य करेगा। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया, मैं एक ने हमारे तीनों बिटिया, और वैसे नहीं है, मेरे बच्चे छोटे उम्र से जब पेट में थी, माँ के गर्भ में थी, तब से वो रिट्रीट्स को आती हैं। उनको तकरीबन 500 से ज़्यादा अधिक वचन आते हैं और हम घर पे रोज रात को वचन का घोषणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहुत ज़रूरी है, जो वचन आपको मिला है ये आपको लेना है और ये आपको रोज़ बोलना है। अगर आप वचन के घोषणा करेंगे, आप देखोगे आपके जीवन में परिवर्तन। हालेलुया, इसलिए वचन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वचन स्वयं ही प्रभु यीशु ख्रिस्त है। हम सिखाएंगे दो दिन में, हम जितना आपको हम चाह हमें मिलेगा समय उतना ही हम सिखा पाएंगे आपको। हालेलुया, कोई बात नहीं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे तो और अधिक सिखाएंगे, पर दो दिन में जो खजाना मिला है वो भी बहुत काफ़ी है। और यूट्यूब में भी है टीचिंग्स, वो भी आप देख सकते हैं, सीखने के लिए बहुत अच्छा है और सरल हिंदी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु का दाहिना हाथ या प्रभु का हाथ हमेशा, जब प्रभु का हाथ हमारे ऊपर होता है, प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, प्रभु कभी अपना आशीष, जो आशीर्वाद जो प्रभु हमें देता है वो कभी दोबारा पीछे लेता नहीं है। हालेलुया, व्हेन गॉड ब्लेसेस हिज चिल्ड्रेन ही विल नेवर टेक द ब्लेसिंग बैक। इट इज आई हु बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव वर्ड, आई ब्लॉक द ब्लेसिंग विच गॉड हैज ऑलरेडी गिवन। प्रभु का आशीष हम सबके ऊपर है क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं? अभी हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, पर क्या हम आशीषित थे? क्या हम आशीषित है? क्या आशीष दिख रहा है मेरे जीवन में? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैं प्रभु का जो आशीष जो मेरे जीवन में बह रहा था, हमने अपने नकारात्मक शब्दों के द्वारा इसे ब्लॉक कर दिया। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? क्योंकि मुझे प्रभु के वचनों का ज्ञान नहीं था, प्रभु का वचनों का समझ नहीं था, इसलिए मैं नादान था। आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, इसलिए मेरे जीवन में ये समस्या और ये परिस्थिति है। पर अगर मुझे पता है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर की पुत्री हूँ, ईश्वर जो है वो राजाओं का राजा है, ईश्वर जो है सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, और प्रभु यीशु स्वयं, परमेश्वर स्वयं कहता है स्वर्ग मेरा है, स्वर्ग और पृथ्वी मेरा है, पर स्वर्ग मैंने अपने लिए रखा है, पर ये जो पृथ्वी है उसने अपने बच्चों के लिए दिया है। तो ये पृथ्वी किसका है? हमारा है क्या? मेरा है? जब कुछ चीज लेना होता है ना तो हमारा नहीं होता है। यहाँ पर आपको खबरदार बोलते ना, सावधान होना है। अगर मम्मी डैडी कुछ लेके आएगा तो ये बोलेगा ना, ये मेरा है, मोबाइल लाया तो क्या ये हमारा मोबाइल बोलता है क्या? हाँ, सार्वजनिक करते हैं क्या? नहीं ना। वैसे जो परमेश्वर का वचन है, जो वचन आप लेते हो, ये जो प्रेम पत्र जो बाइबल है, इसमें जो लिखा है खजाना, जो वचनों का भंडार है, ये आपको ध्यानपूर्वक लेना है। और जो भी लेना है वो मेरे लिए प्रभु ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? तो हर पल बोलना है, प्रभु ये आशीष मेरे लिए, ये जो बाइबल लिखा है ये तो मेरे लिए है, और यहाँ पे जो प्रकाशन जो मिल रहा है प्रभु, ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं ये सब बाइबल में से मुझे मिल रहा है। हालेलुया, बाइबल तो आपने बहुत पढ़ा रहेगा, बहुत बार पढ़ा रहेगा। हमारे जो बिटिया है उन्होंने, उनको पता नहीं है, पर यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्ती है सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी बाइबल पढ़ रहा था पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सही कह रहे बिटिया, क्या अभी वो दिमाग की बत्ती खुल रही है क्या? नहीं, कुछ समझ तो आया, आज पता चला इन लोग कौन है, अभी तक पता नहीं था। अभी तक बोल रहे थे मैं गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं श्रापित हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। सही है क्या? नहीं, ऐसा ना हो सिस्टर। हालेलुया, क्योंकि हमें गलत पढ़ाया गया था, हमने गलत सुना था, हमें गलत सिखाया गया था, यही था कारण इसके द्वारा हमारा नाश हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। होशिया का पुस्तक हम ले रहे थे ना,
होशिया 4:6 में देखो क्या लिखा है, द बुक ऑफ होशाया चैप्टर नंबर 4:6, द बुक ऑफ होशाया चैप्टर नंबर 4:6, जस्ट सी, वी कैन टेक द स्क्रिप्चर एंड देन वी कैन क्लोज डाउन. होशाया, होशिया, 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 होशिया ना, होशिया हिंदी में होशाया, इंग्लिश में होशाया है, इंग्लिश में, हिंदी में होशिया है ना, होशे, होशे क्या, होशिया, होशिया. ओके, नो प्रॉब्लम, समझ तो गए. हालेलुया. या सिस्टर यू रीड, हाँ, चैप्टर नंबर 4:6. माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ. कौन बोल रहे है, हु सेइंग दिस थिंग, हिंदी में पढ़ो तो, पुराने नियम में, पुराने, आप नए नियम में आए शायद. इज इट देयर, ओके कम ऑन. अभी हिंदी में कुछ उल्टा लिखा रहेगा क्योंकि ट्रांसलेशन ही उल्टा किया है कोई कोई लेखक ने. यहाँ पे लिखा है धर्म के आधार में मेरा, मेरी प्रजा का, उसका मतलब क्या हो गया, पूरा वो वाक्य को बदल दिया है. धर्म के अभाव में मेरी प्रजा का नाश हुआ, नहीं, इंग्लिश में क्लियर दिया है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज दे डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड, दे डोंट नो व्हाट इज रिटन इन द बाइबल, व्हाट इज द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, दैट इज व्हाई माई चिल्ड्रेन आर डिस्ट्रॉयड. अभी हिंदी में कुछ उल्टा ही लिखा है, बराबर है क्या, नहीं, अभी यहां पे कुछ ट्रांसलेशन अलग होगा, हुआ क्या, नहीं, यहाँ के धर्म के आधार, वेर इज द ट्रांसलेशन ऑफ माई लैक ऑफ नॉलेज एंड धर्म के आधार, धर्म इज समथिंग डिफरेंट. इसलिए बहुत सावधान होना है जब बाइबल पढ़ते हो. मेरे पास ट्रांसलेशन होता है, हम प्रचार करते हैं इसलिए हम अलग अलग ट्रांसलेशन लेते हैं ताकि सही शब्द हमें समझ आए. अभी वो बोलेंगे धर्म के अभाव में, क्या समझ आएगा आपको, हमारे धर्म के द्वारा हमारा नाश हुआ, ऐसा होगा ना, क्या हमारा धर्म हमारा नाश करता है, नहीं, दैट इज अ रॉन्ग टेक्स्ट, दैट इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन. दैट इज वाई इफ यू सी अनदर हिंदी ट्रांसलेशन देयर इट इज गिवन, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान न होने के द्वारा मेरे बच्चों का नाश हुआ. इफ यू वॉन्ट यू राइट इट डाउन, परमेश्वर के बच्चों का ज्ञान न होने के कारण मेरे बच्चों का नाश हो रहा है. बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज माई चिल्ड्रन, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड. होशिया 4:6, परमेश्वर के बच्चों का, ईश्वर के बच्चों का वचनों का ज्ञान न होने के कारण, वचनों का ज्ञान न होने के कारण या बाइबल का ज्ञान न होने के कारण, परमेश्वर का वचन का ज्ञान न होने के कारण परमेश्वर का बच्चों का नाश होता है, हो रहा है. सही है कि नहीं, इज इट राइट, यस, सी द ट्रांसलेशन हैज चेंज एवरीथिंग. इसलिए बहुत सावधान हो, सही है कि नहीं, तो इफ आई गेट अ रॉन्ग वर्स इट कैन चेंज एवरीथिंग. That is why, because I don't understand, I have been studying the Bible, I have been reading the Bible, but because there are wrong words, wrong translation, and there is no one to explain, there is no one who have taught us the proper Bible, that is why we don't know, we are ignorant of what is written in the Bible. That is why Satan has taken advantage and Satan is destroying the children of God. That is why we people are today backward, or we are, people are really sick and we are destroyed. We are having problems in our house, in our family. We have no business. There is no job. Bible is a treasure book. Khazane ka bhandar hai. Parmeshwar ka khazane ka bhandar hai. Bible ko kya likha hai Hindi mein? Bori barkar beech is a bag full of seeds. Bible is called a bag full of seeds. You can write it down if you want. Because there are thousands and thousands of seeds
द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड ऑफ गॉड. द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड ऑफ गॉड. देर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, देर आर थाउजेंड्स ऑफ सीड्स इन द बाइबल दैट हेल्प्स अस टू लिव अ गुड लाइफ. हजारों प्रकार के बीज है. परमेश्वर का शब्द परमेश्वर का बीज है. बाइबल को दिया है बोरी भरकर बीज, उसका उदाहरण दिया है क्योंकि वहां पर हजारों बीज हैं. और ये जो बीज है मेरे जीवन में परिवर्तन लाता है. ये बीज है, अगर मुझे नौकरी नहीं है नौकरी के लिए वहां पर वचन है, अगर व्यवसाय है व्यवसाय के लिए वचन है, छोकरी मिलने के लिए भी वचन है, छोकरा मिलने के लिए भी वचन है, बोला तो नर नारी या पति पत्नी के लिए भी, सही है कि नहीं. सुख शांति के लिए भी वहां पर वचन है. जो बीमार है अलग अलग बीमारियों से जो पीड़ित है वहां पर वचने दिए गए. हर एक चीज व्यवसाय कैसे करना है वहां पर वचन है. अगर आपके पास श्रेष्ठता का आत्मा है, क्यों है क्या नहीं, वचन कहता है क्या नहीं, तो अगर आपके पास श्रेष्ठता का आत्मा है तो क्या आपके पास प्रभु का वचन के द्वारा प्रकाशन मिलता है क्या नहीं, समझ मिलता है क्या नहीं. तो अगर आप कुछ करते हैं तो आपको प्रकाशन मिलेगा तो उसमें आप उसके उत्तर मिलता है क्या नहीं आपको, तो उस पर आप उस समस्या अगर आपके जीवन में आए तो उसमें आप विजय पाते हैं क्या नहीं, विजय ले सकते हैं क्या नहीं. पर अगर मुझे वचन का ज्ञान ही नहीं है और मुझे पता नहीं मैं कौन हूं तो क्या मैं विजय होऊंगा, होऊंगा? हालेलुया. इसलिए शैतान मेरे जीवन का नाश कर रहा है. और हम समझते हैं क्या शैतान मेरे जीवन का नाश कर रहा है, वो नालायक है, वैसा तो नालायक ही है. हालेलुया. पर मेरे जीवन का नाश करने वाला है मेरे खुद के शब्द, क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे जीवन का, मेरे परिवार का जीवन का नाश हो रहा है. हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु. तो मुझे मेरे जीवन में बदलाव लाना है क्या नहीं लाना है? क्या आप लोगों को ऐसे ही जीना है? चलेगा? आई डोंट वांट टू बी रिच. ऐसा ही जीवन चलेगा? यू नो सिस्टर, आई लाइक टू बी लाइक दिस सिंपल. I am a very simple girl. Hallelujah. My wife has not heard. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का वचन क्या लिखा है वहां पर होजिया में, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है इसलिए ईश्वर के बच्चों का नाश हो रहा है. क्या हम ईश्वर के बच्चे हैं? है क्या नहीं? तो हमारा अब तक नाश हो रहा है. हमारे जीवन में ऐसा सब तनाव है, बीमार है, गरीबी है, श्राप है, ये क्यों हुआ है? इसका मुख्य कारण क्या है? शैतान है क्या? ये वचनों का ज्ञान नहीं है इसलिए. वचनों का ज्ञान नहीं था, बाइबल का समझ नहीं था, इसलिए हमारा नाश हो रहा था और हम शैतान को ब्लेम कर रहे थे, उसकी निंदा कर रही थी. तो कर दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर एक्चुअली हमारा जीवन का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु. समय है हमारे पास 10 पद. यू आर लाफिंग, व्हाट इज, डिड यू अंडरस्टैंड और नो? वेरी वेल, ओके ओके. मेरे मुझे एक प्रश्न पूछा क्या नहीं, पूछू क्या नहीं पूछू? भूख लगी है क्या? क्योंकि मेरे पास समय है, मैं तो देने वाला भी नहीं ऐसा भी समय. हालेलुया, ओके. कितने लोग मानते हैं हमारा भविष्य ईश्वर के हाथ में? ऐसा ना, हाथ ऊपर करो ना. एक ही हाथ नहीं, दो हाथ है ना, दोनों हाथ ऊपर करो, पैर भी ऊपर करो. क्योंकि बोलेंगे ना हम शरीर में सही में मानते हैं. सिस्टर व्हाट डू यू थिंक? आपने सुना नहीं क्या? हाँ, कितने लोग मानते हैं हमारा भविष्य किसके? सिस्टर, नो सिस्टर ने नहीं. व्हाट अबाउट यू सिस्टर? डू यू बिलीव दैट आवर लाइफ इज इन गॉड्स हैंड? यस और नो? सिस्टर नो, यस, ओके. चलो हाथ नीचे रखो. देखो मैं यहाँ पे निंदा करने नहीं आया, सिखाने आया. मैं भी ऐसा ही था आपके यहाँ पे बैठे और मैंने भी हाथ ऊपर किया, एक नहीं दो हाथ. और वो प्रीचर ने बोला पैर भी ऊपर कर,
पैर भी ऊपर गया, पर बाद में पता चला क्यों किया। हालेलुया, ऐसा कर करके बाल खींच लिया, बाल थोड़े कम मत खींचो आप लोग। हालेलुया, ओके। यहोशू का पुस्तक 1:8 में जाओ, देखो क्या लिखा है। द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू है ना हिंदी में, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर नंबर 1:8। यहोशू का पुस्तक 1:8। हालेलुया, इज द टाइम अप सिस्टर? नॉट येट ना, यू टेल मी द टाइम, देन आई विल, बिकॉज आई डोंट नो द टाइम, आई एम नॉट लुकिंग बिहाइंड, यू आर लुक एट मी, जस्ट वेन यू टेल मी द ब्रेक, जस्ट 5 मिनट्स गिव मी, देन आई कैन, बिकॉज इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। हालेलुया, बिकॉज वी हैव टाइम टू कंटिन्यू लेटर ऑन, 5 मिनट्स इज देयर ना, ओके वी कैन टेक टिल देन, इफ इट्स देयर 5 मिनट्स लेट चलेगा ना, द फूड विल बिकम कोल्ड। She already told. So if the food will become cold, then you will not eat. You sit on the gas. You will become hot, no? Hallelujah. Praise the Lord. मजाक मस्ती करना चाहिए। अरे आए सीरियस हूँ। सेशन ऐसे होता है ना? Hallelujah. पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इंग्लिश में कोई पढ़ सकता है, हिंदी में पढ़ो तब तक। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। इसका मतलब क्या है? संहिता के ये ग्रंथ क्या है? ये बाइबल है, ये संहिता का ग्रंथ। दिस बुक ऑफ द लॉ, ये जो जो बाइबल है ये संहिता के ग्रंथ है। हालेलुया, नियमों का बुक है। हालेलुया, हाँ क्या लिखा है? संहिता के ये ग्रंथ की चर्चा करते रहो। क्या करना चाहिए? ये चर्चा। अभी हम क्या कर रहे हैं? अब तक आप क्या कर रहे थे? एक सिर्फ पढ़ रहे थे, कुछ समझ आ रहा था? नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? बाइबल जो है आपको चर्चा करना है, डिस्कस करना है, समझना है। जब समझोगे तभी तो आप दूसरों को समझाओगे ना, समझेंगे नहीं तो क्या समझाओगे। हाँ आगे, दिन रात उसका मनन करो। बोले तो बाइबल का जो वचन है आपको उसको लेना है, और क्या लिखा है वहां पर? दिन रात उसे मनन करना। उसका मतलब जब आप एक वचन लेते हो उसे क्या करना है? मनन करना है का मतलब क्या करना है? मनन चिंतन का मतलब क्या है? ट्रांसलेट किया आपने, आई ऑल्सो नो इट। अभी यहाँ पे इन लोग ने ट्रांसलेट किया, आप लोग बता सकते हैं मनन चिंतन का मतलब? उसको हाँ चलो ठीक है, थोड़ा आगे करीब आगे। और मनन चिंतन का मतलब बहुत अच्छे, और उसके ऊपर मनन चिंतन करना, बोले तो सोचना, कल्पना करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर मुझे समझना चाहिए। मुझे समझ नहीं है तो मैं क्या क्या उपयोग है वो चीज़ का? अगर मैं एक वचन लेता हूँ वो वचन के द्वारा मुझे समझ नहीं मिलेगा तो वो वाक्य का कोई उपयोग नहीं, शून्य हो गया। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, दानियल जो नबी दानियल है उसको क्या था? श्रेष्ठता का आत्मा, ही हैड अ स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी, बराबर है कि नहीं? तो अगर दानियल के पास स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी था तो हमने क्या किया? अगर दानियल को मिला है तो मुझे भी तो मिलना चाहिए। अभी मुझे यह समझ मिला इसलिए मैंने अपने लिए लिया क्या? नहीं। अगर दानियल को मिला है तो नबी दानियल के पास ही रहेगा, उस समय वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आए। पर हमने नया नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, सही है कि नहीं? तो अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो श्रेष्ठता का आत्मा है, पवित्र आत्मा, सही है कि नहीं? तो अगर पवित्र आत्मा मुझे दानियल को है तो मुझे भी है क्या? नहीं। तो क्या मुझे समझ आया क्या? नहीं। तो ये अभी ये वचन मुझे कार्य कर रहा है क्या? नहीं मेरे जीवन में, इसको ही बोलता है मनन चिंतन करना, उसको समझ लेना। हालेलुया,
मैं समझाऊंगा, ये तो बहुत थोड़ा आगे खींच लूंगा, खाली मैं आपको उसका उत्तर दे रहा था। आगे पढ़ना, इस पर क्या करना है, परमेश्वर का वचन को लेना है और दिन रात मनन चिंतन करना है। What do you have to take? You should take the word of God, the scripture, and meditate on it or ponder on it day and night. Hallelujah. If you go to the Gospel of Luke, माता मरियम जब एंजल गैब्रियल आया, स्वर्गदूत आया और उसको बोला कि तुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा और तुझे एक पुत्र होगा, तो उसने क्या किया, जो शब्द वो स्वर्गदूत ने लिया बोला था, उसने क्या किया, उस पर उसने मनन चिंतन किया, तो शब्द जो बोला था वो शब्द बन गया देह, वही है वो प्रभु यीशु। मैं सिखाऊंगा, डरो नहीं, मैं खाली ब्रीफिंग ही दे रहा हूँ, वचन भी दूंगा आगे। हालेलुया, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है, उसके लिए मैं अभी शॉर्टकट में दे रहा हूँ। पढ़ लेना वो वाक्य को, अपन समझ जाते हैं। जिससे उसमें जो कुछ लिखा है, बोले तो परमेश्वर के जो वचन है बाइबल में जो भी लिखा है उसमें क्या करना है, तुम उसका पालन करना है, उसका सावधानी से पालन करना चाहिए। यू शुड बी केयरफुल इन वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू रीड। हाँ, उसके बाद इस तरह परमेश्वर तुम्हें उन्नति देगा और तुम्हें उद्धार देगा। क्या लिखा है, इस तरह परमेश्वर तुम्हें उन्नति देगा, क्या लिखा है, पढ़ा, पढ़ो तो तनिक पढ़ा हो, कहा देखा है, टुकुर टुकुर बाइबल देखा हो, इस तरह परमेश्वर तुम्हारा उन्नति करेगा। मैं जो बोल रहा हूं तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं, नहीं नहीं तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे। उधर क्या बोले, ये व्यवस्था का ये पुस्तक तुम दिन रात उसका उसका वचन लेना है, दिन रात उस पर मनन चिंतन करना चाहिए, जिससे तुम्हें जिसमें जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका क्या, तुम उसका सावधानी से पालन करेंगे, क्या प्रभु उसका सावधानी से पालन करेगा। तो वचन किसने किसे दिया है, हमें दिया है क्या, नहीं, तो उसका पालन किसे करना है, मनन चिंतन किसे करना है। अभी उसके बाद देखो क्या लिखा है और मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दे देना, इस तरह प्रभु तुम्हें उन्नति देगा और प्रभु तुम्हें तुम्हारे कार्यों पे सफलता देगा, ऐसा लिखा है क्या, क्या लिखा है वहां पर आपके बाइबल में, क्या लिखा है, तुम इस तरह कैसे तुम उन्नति करेंगे, जब आप वचन लोगे, परमेश्वर का सुसमाचार लेगा, जो बाइबल में से लिखा है, जो करारनामा है, जो वादा है, द विल ऑफ गॉड, व्हाट इज देयर, व्हाट गॉड हैज गिवन, दैट इज द विल ऑफ गॉड फॉर यू एंड मी। मुझे वो लेना है और उस पर मनन चिंतन करना है, उसके उसके अनुसार मेरा जीवन जीना है, उसके द्वारा प्रभु मुझे उन्नति देगा और मुझे समृद्ध जीवन मिलेगा। आई विल बी प्रॉस्परस एंड आई विल बी सक्सेसफुल। यहाँ पे वैसा नहीं दिया क्या, प्रभु मुझे क्या करेगा, समृद्ध देगा, व्हाट, इस तरह प्रभु मुझे उन्नति देगा और मुझे सफलता देगा, ऐसा दिया है क्या, नहीं। यहाँ पे देखा, इस कैसे होगा ये, आपको सफलता है आपको कैसा मिलेगा, आपको सफलता है कैसा मिलेगा, वचनों के द्वारा, जब आप वचन लेते हो और वचनों पे आप मनन चिंतन करते हो और वचनों के ऊपर जब मनन चिंतन करते हुए ये वचन के द्वारा आपको सफलता मिलता है और उसको और आप आशीषित होते हैं।
हालेलुया। तो मैंने आपको सवाल पूछा था, क्या प्रभु आपको आशीर्वाद देते, आशीषित करते हैं? सबने हाथ ऊपर किया था, दो हाथ ऊपर किया था। मैंने तो हिंदी में बोला, तू इंग्लिश में भी, तूने भी हाथ ऊपर कर दिया, इसका मतलब हिंदी समझ रहा था उसको। तो कौन मुझे सफलता देता है? परमेश्वर का वचन जब हम लेते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं और उस वचन के द्वारा मुझे सफलता मिलता है और मुझे यश मिलता है। आई एम प्रॉस्परस एंड आई एम सक्सेसफुल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। तो मेरा भविष्य किसके हाथ में है? पड़ोसी के, पड़ोसी के नहीं क्या? अरे उसने ऐसा बोला मेरा, उसने कुछ किया, काला जादू, नींबू डाला, नारियल डाला, मुर्गा काटा, सही है? ऐसा होता है क्या? नहीं। अरे उसके लिए मेरा जीवन का नाश हुआ, मेरा परिवार का नाश हुआ, ऐसा बोला नहीं क्या आप लोग ने? तो मेरे जीवन का नाश किसके द्वारा हुआ? दूसरों के द्वारा? परमेश्वर के द्वारा? मेरे अपने शब्दों के द्वारा? तो मेरा भविष्य किसके हाथ में है? इधर बोला, इधर जोर से नहीं बोल रहे, भूख लगी है ना। हमारा जीवन किसके, मेरा जीवन किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। भूख लगी है ब्रदर, समझ गया, अभी बोलना ही नहीं ब्रदर, कितना भी चिल्लाओ हमको बोलना ही नहीं है। हालेलुया, क्या हम सब सीख रहे हैं? मजा आ रहा है? कुछ अलग है? क्या बाइबल समझ आ रहा है? प्रभु हमें सिखा रहा है क्या? नहीं, सरल तरीके से। Do you understand? Is God teaching you in a very simple way, very easy way? Are you enjoying it? Yes. Yes, brother. Yes, brother. I wanted to make you smile. Hallelujah. Praise the Lord. हम अपने आंखें बंद करेंगे, प्रभु के उपस्थिति में आ जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा द्वारे आपने हमें यहाँ पर इतने सुंदर तरीके से, सरल तरीके से, अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा, अच्छे अच्छे गवाहियों द्वारा आपने हमें सिखाया, समझाया। अब प्रभु आपने बाइबल का रहस्य हमें बताया। प्रभु हम इतने साल से हम बाइबल ले रहे थे, पढ़ रहे थे, पर हमें उसका कुछ भी प्रकाशन नहीं मिल रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर पवित्र आत्मा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमें इतना सरल तरीके से, सुंदर तरीके से आपने हमें सिखाया, समझाया। धन्यवाद प्रभु हमें समझाने के लिए। धन्यवाद प्रभु आज हमें पता चला कि हम कौन हैं, हम किसके बच्चे हैं और आपके राज्य के हम उत्तराधिकारी हैं। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप हमें सिखा रहे हैं और हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं आपका, आपकी वाणी, आपके शब्द सिखाए। प्रभु हम सीखना चाहते हैं, हम भूखे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे आपने हमें सिखाया है, ये दो दिन और हम आप हमें सिखाएंगे, ताकि जैसे जैसे हम सीख रहे प्रभु, हमारा ये वचनों के द्वारा, ये प्रकाशनों के द्वारा, वचन का प्रकाशन के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, हमारे परिवार में परिवर्तन आ रहा है और हम जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु, उसमें हम सफल ही सफल हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, जय यीशु। जोर से प्रभु को धन्यवाद देते हुए ताली बजाएंगे। हालेलुया, जय यीशु।